बड़े भाई ये तई पूरा लावा खाओगे। एसजीओ बर्निंग इमरेंट्स को आपको बचाना पड़ेगा। बिजना भी नहीं है सब पोता, कितना हरामी हो गया यार। बेबी यही होगा जो ये बंदा पूरा पागल है भाई। पूरा क्या भाई तू लावा मेरे पास असली पावर है कब्जे में गया भाई। ओ डरी दादी को ये मां बना पैदा है तुमने सब। अब तक तुम लोगों ने देखा ओडिन की कृपा से मैं और स्मार्टी गिर गए थे एक वियर्ड वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे लोचे होने के बाद मैं चला गया था एक स्काइपिया जैसे वियर्ड वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे चक्कर खाते खाते मैंने लड़ लिया था पंपकिन किंग के साथ। उसने मुझे हेल्प किया कि वो स्पूटी पाई का पता लगाने के लिए, पर ओडिन के माया जाल की वजह से स्पूटी पाई की जान चली गई। मैं और स्मार्टी कैसे वैसे करके उस वर्ल्ड से बाहर, पर तभी ओडिन ने लटका दिया स्मार्टी को और मैं हो गया वैनिश। अब देखिए आगे। ये कहां पे आ गया मैं प्रोफेसर कु, अबे कु, भाई मैं इसको क्या गाली दूं अबे। प्रोफेसर तुझे ये कब यूज करने बोला था मैंने। हे भगवान तू यार स्मार्टी के पास जाना हम लोगों को। स्मार्टी अब भी ड्रीम बॉय के वो क्या कौन से वो जंगले वाले नॉनसेंस चीजों के यहाँ पे। जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल हम लोग को वहाँ पे निकलना है। अरे मैं और स्मार्टी वहाँ पे लड़ रहे थे अभी किंग ओडिन के साथ और तूने यहाँ पे मुझे बुला लिया। हाँ मतलब अरे अरे यार मतलब हम लोग एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग चले गए थे जहाँ ओके तो ठीक है सिग्नल ओके तो ये मुझे बोल रहा है कि इसके सिग्नल नहीं मारा था इतने दिनों से, अचानक से मेरा सिग्नल आने लगा बिकॉज मैं इस वर्ल्ड में आ गया ना और हम लोगों ने ये ट्रैप बना के रखा था जब भी मैं किसी मुसीबत पर उड़ूं। तो मैं इतने दिनों से गायब था, अचानक से इसको सिग्नल मिलने लगा और फिर इसने मुझे यहाँ पे ला दिया। और क्या आगे क्या देखो और नाना चीटांग ये क्या है भाई। हम लोग इतने दिनों तक गायब क्या हो गए, ये इमलेट्स का हालत क्या हो गया, ये टॉवर्स किस बात के बनाए हुए हैं क्या। अरे कुछ भी भाई आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, ये कुछ अबे ये कैसे इमलेट्स हो सकता है, ये पूरा लावा का हो गया है। अरे सच क्या सच है भाई, ये क्या घंटा सच है भाई। ओ तेरी ये सारी चीजें कब हो गई, कुछ तो जल गया होगा फिर अंदर का। Oh shit, ये हिमलैंड्स की वॉल है ना। हे भगवान अबे ये क्या नॉनसेंस चीज आ गई। नहीं रुको 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 हम लोगों को देखना पड़ेगा। गाइज अगर तुम लोग नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर तुम लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हो प्लीज मेक श्योर लीव अ लाइक बिकॉज हिमलैंड्स के तो लगे पड़े हैं बेटा। स्मार्टी क्या तेल लेने वो अपने आप को बचा लेगा, पर इसको कौन बचाएगा, पूरा हिमलैंड्स नष्ट हो गया। किस किलविश ने किया ये सालों, पर वो तो मार दिया मैंने हमने मतलब। ओ भाई ये क्या नई नॉनसेंस चीज है यार। ओके यहाँ से आजा देखते हैं और क्या क्या चीजें हो गई भाई। यहाँ पे आजा भाई, गेट भी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया यहाँ पे। अंदर जाके हम लोग एटलीस्ट देख तो सकते हैं ना कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं है। भाई पूरा लावा का भाई बर्निंग हिमलैंड बन गया भाई, पूरा जलने वाला हिमलैंड भाई साहब। दिस इज सो क्रेजी यार। और उसके बाद मुझे दिख गया था फलाना के साथ बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को पता चला कि फलाना इस लावा के अंदर जा सकता है जो अभी भी भूत है। और ये सारी चीजें तुम लोगों ने फलाना के चैनल के ऊपर उसके वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। जा हिल भी नेरा साला आलसी इंसान। अरे क्या साला चमकादर का पैदाइश, जा घुस जा घुस जा, जो होगा देखा जाएगा। प्रोफेसर चल 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 अभी हम लोगों को कुछ भी कहेंगे, पहला तेरा कंप्यूटर ढूंढते हैं। अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल गई है फलाना से जो मैं भी तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज बहुत क्रीपी और बहुत वियर्ड चीजें हुई है इस हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर। और ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए अभी हम ही है इस वर्ल्ड के अंदर। स्मार्टी से मैंने अभी बात कर ली है डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो स्मार्टी बोल रहा है कि वहां से तो ओडिन गायब हो चुका है और वहां से वो बच के निकल चुका है, तो हम लोग वापस मिलने ही वाले हैं। पर उससे पहले मैंने अभी स्मार्टी को बताया कि ये सारी चीजें यहाँ पे जली हुई वगैरह है, तो स्मार्टी ने बोला कि हाँ हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। अभी मेरे ऊपर है पूरा का पूरा ये मिशन कि हम लोग किसी भी कीमत पे ये पूरा का पूरा जो
जो हिमलैंड्स है जो एक्चुअली 2017-2018 में इस पार्टी ने बनाया था वो हिमलैंड्स पूरा का पूरा इन्होंने जला दिया है, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचा है। तो हम लोगों को कुछ भी करके इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। और अगर तुम लोग भी इस हिमलैंड्स को पूरी तरह से रिपेयर होते हुए देखना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर यू लीव अ लाइक, बिकॉज तुम्हारा लाइक में भी इस हिमलैंड्स को रिपेयर करने के लिए हमारा हौसला अफजाई करेगा। सो प्लीज मेक श्योर यू लीव अ लाइक। यस, निंजा टेक्निक टू गेट मोर लाइक्स मैन। और लेट अस नो इन द कमेंट सेशन कि इसको रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास कुछ आइडियाज है क्या। तब तक हम लोग अभी फिलहाल के लिए जाने वाले हैं उस सुपर कंप्यूटर के पास और वहां से पता लगाएंगे कि क्या यहां पे नॉनसेंस चीजें हो रही है और ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज पूरा ना कि पूरा का पूरा हिमलैंड्स, इवन वो सारे ब्रिजेस, इवन जहां से होगा लाला पूरा का पूरा आ गया था वो वाला लोकेशन, इवन वहां के आजू बाजू वाला जो विलेज है वो भी पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। सारी चीजें स्प्रेड होती जा रही है और अभी तक इन्होंने मेन हिमलैंड्स के ऊपर हमला किया है, ये आगे जाके दूसरी जगह पे भी हमला करे जा रहे हैं। सो दिस इज वियर्ड, अजीब, और प्रोफेसर हम दोनों के ऊपर पूरा का पूरा है बिकॉज मार्टी अभी तक किंग ओडिन और बहुत सारी नॉनसेंस चीजों के पीछे लगा पड़ा है। सो लेट्स डू दिस। एक में हम लोगों को ना ड्रीम बॉय को भी हमारे साथ लेना चाहिए। कहां पे गया ये? अबे साले मर गया क्या? साला खड्डे में गिरता है साके। भाई प्रोफेसर तेरे ऊपर हम भरोसा रख रहे हैं पूरा हिमलैंड सर्वे करने के लिए, यहाँ पे खड्डे में घुसे जा रहा है तू। साला तुम ऐसा करती तो हम तुम्हारा जान लेती, हम बहुत खतरनाक होती तुमको पता है ना। जल्दी चल प्रोफेसर, बहुत दूर तक जाना है। ओ हाँ, नुबड़ा जी भी यहाँ पे आ चुका है, पर नुबड़ा जी इस पार्टी के पास है तो टेंशन मत लेना। साला तू, तेरे को भाई की कुछ पड़ी नहीं है ना साला, पूरी जायदाद हटाएगा तू। हाँ साला ये अच्छा, हाँ हाँ भाई प्यार है, पता है मेरे को प्यार है, आया पाया प्यार है साला, मेरे को पता है ना अंदर ही अंदर पूरी हत्याना चाहता है जायदाद इसकी। अच्छा हाँ ठीक है भाई, गाली के ठीक है, ये इसके लिए तो गाली का हद्दा था। मैं सॉरी मैन, सॉरी सॉरी प्रोफेसर जी, हमारे साथ रह के आप गालियाँ देने लग गए यार। एक जमाने में ये सज्जन इंसान था, अभी देखो दुर्जन बन गया यार। हम बिगाड़ रहे हैं यार लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं चुपचाप। प्रोफेसर सब कुछ जला दिया साला, तुमने जरा ख्याल नहीं रख पाया ना, पूरे हिमलैंड्स को मरवा दिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत सीरियस मैटर है बिकॉज पूरा का पूरा वर्ल्ड भाई, हमारी यादें, हमारे सपने। वेट 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 प्रोफेसर रुक, पीछे रुक 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 प्रोफेसर, प्रोफेसर है कुत्रिया, अबे कभी तो जीवन में पीछे आया कर, पीछे जा, पीछे पीछे जा। किंग ओडिन है ये साला, किंग ओडिन, इसको सूरज देखना है, तू यहाँ पे ही छुपा रहेगा, रुक मैं देखता हूँ इसको आराम से। पता नहीं ये किंग ओडिन क्यों इतने कुत्तेपंती कर रहा है यार सब जगह पे। साले किंग ओडिन पूजा नाना चेटांग, अबे हराम खोर, आजा आजा साले, तेरे को अभी दिखाता हूं मैं क्या 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 नहीं कर सकता मैं। अबे ये कौन है साला? अरे उबला हुआ किंग ओडिन। ओ भाई साला, अबे एक का डबल साला अनुराधा है ये लोग भाई, अनुराधा का अनुराधा को खा के आ गए भाई ये लोग, क्या हो रहा है ये? अरे तुम ये एक भाई, ये किंग ओडिन नहीं है साला, ये किंग ओडिन नहीं है, डैम श्योर। अबे तुम हो कौन भाई? नाना चिटांग तुम भाई, तुमको क्या लगा कि हम ऐसा मरने के लिए आया यहाँ पे? कार साला तेरे इसकी एचपी कम है साला, मेरे को मारेगा। ओ दे, रुको रुको, अरे सर सर मैं बता रहा हूँ, मैं भाई मैं किंग ओडिन का दोस्त हूँ। नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है बड़ा, तुम दो कैसे हो गए मेरे को भैया बताओ भाई, एक कदबल हो रहे अभी से ही। ओके आराम से प्रोफेसर, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, निकल जा, मैंने देखा तेरा सर साले, निकल जा यहाँ से, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे को डाइक हिमलैंड्स का रास्ता बताया। ओ मैंने मार दिया, आजा साले तू का साला, ब्रिजेस बनाएगा साला, ब्रिजेस बनाएगा। इसके पास नेदरराइट की शॉट देखी मिली, नेदरराइट की शॉट लेकर साला तू हमको मारेगा, अभी दिखाना अभी भाग। ये भी कमजोर हो गया साला, मैं भी कमजोर हूँ दिखा रहे तो, ये साला मेरे ऊपर अटैक करे। अबे ये कौन मार रहा है? अबे ये कहाँ से दो लोग? तुम चला ना चीटा साला, मेरे पास ब्लॉक्स होते ना मर्डर कर देता मैं तुम लोगों का। भागो आके दिखाओ ना, आके दिखाओ ना, डर गया तुम डर। That's how we do. आराम से जियो, ब्लॉक्स लो, मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है यार, प्रॉब्लम ये हो रहा है जीवन में। आराम से इनको जब तक ये आ रहे हैं मेरे को ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तो उस वर्ल्ड के अंदर जब मैं गया था ना, नहीं प्लीज दे दो, नहीं गया, ये वेस्ट हो गया। किधर गए लोग, किधर गए? ओ नहीं, ओ ओ ओ ओ एक मिनट,
मुझे डैमेज नहीं लगा बिल्कुल। ओ तेरी नाना जी टांग, मेरे जूते इतने अच्छे हैं कि हम कहाँ पे गए लोग। अबे तू मारेगा हमको, तू मारेगा हमको, तुझे पता है हप्पुन कौन है? अर्जुन है हप्पुन, अर्जुन। आ हमारे निशाने कभी चुकते चुकते कभी कभी चुकते। That's how you do. अर्जुन है भाई, एक तीर के निशाने भाई मर्डर कर भाई साहब। That's how you do. कौन आएगा बोलो? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुझे नो आइडिया भाई। आ तो यहाँ से रहे, किधर है ये लोग? ये एक तू यहाँ पे पैदा हो रहे लोग, मेरे सामने पैदा हुआ ये बंदा। कौन है, कहाँ से आ रहे हो? आके दिखाओ साला, मैंने नाम मार दिया ना तुम लोगों को, तो मेरा नाम भी एजन रेपनी आज सब। तू मारेगा, तुम्हारे डैमेज नहीं कर पा रहे ये लोग साले। चूजे 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 हो गए ये लोग। ओ भाई, ओ ये क्या है अभी? ओत्री 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 ओत्री, ये क्या नॉनसेंस भाई, ये क्या भाई? सुसाइड बॉम्बर बन गया ये बंदा। ओ नहीं, तू क्या मार रहा है साले? तू मार रहा है मेरे को संचा। ओह भाई, अपने ही दोस्त को मार दिया, अपने ही दोस्त को मार दिया। इनको कुछ है नहीं भाई, एक दूसरे के ऊपर प्यार। तेरे ऊपर एरो लगा है बे, तेरे दोस्तों ने एरो मारा है तेरे को। ओ भाई, ये ब्लास्ट से बहुत डैमेज दे रहा है यार। भाग 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 इसे, भाग भागो 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 यहाँ से, भागो भागो। मैं तो चलो ऊपर सर आ जाओ ना। अरे अभी डर गया, तू जाइए इधर से, मैं भी रुक, मैं भी आ रहा हूँ ऊपर। अरे नहीं यार, ओ भाई नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से, वी कैन डू दिस। मेरे पास खाना नहीं है, यहाँ से भागना पड़ेगा। प्रोफेसर तू भागे जा, भागे जा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने इसको भाई साहब, दैट वाज क्रेजी, दैट वाज क्रेजी बॉयज। अच्छा तू है कौन मुझे? ओह शिट भाई, ये बंदा खुद ही ब्लास्ट हो रहा है, खुद ही ब्लास्ट हो रहा है ये बंदा। क्या हो रहा तेरे चे भाई? भाई ओके ओके, आराम से आराम से। ओके एक काम करते हैं, अरे जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी 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 जल्दी। अबे तेरे को दिखाता है अपन है कौन। ओ नहीं, ओ नहीं, मेरे पास एचपी नहीं है। आराम से जाना पड़ेगा। भाग 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 भाग, एक तो ये लावा है यहाँ पे कब से। नहीं नहीं नहीं, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ओके ओके, यहाँ से भागना पड़ेगा, कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके ये रुका पे साला, ये लोग भागे ही जा रहे हैं मेरे पीछे। आरो 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 आरो, भाई अग्निपथ भाई पूरा जला हुआ आ रहा है ये बंदा भाई। इतना क्या है इनको डेडिकेशन भाई, कितने पैसे दे रहा है भाई तो। ओ शीश, इसका डैमेज ना बॉम्ब से ही ज्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं ये बंदा मर क्यों नहीं रहा यार अपनी ब्लास्ट से। खतरनाक ही लगा पूरा, इसके अंदर क्रीपर की शक्ति आ गई है यार भाई। नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ भाई This is crazy man. भाई ये किसको कैसे मारूं मैं? ये मर ही नहीं रहा यार। Oh shit. Oh भाई लग गए, लग गए, लग गए, लग गए भाई, लग गए। भाई एक तो मेरे ब्रेड खत्म हो रहे हैं। या तेरा दोस्त तेरे को ही मार रहा है। तुझे नाना ची टांग। तुझे अभी तो। भाई ये क्या हो रहा है यार? ये बंदा उसमें से पता नहीं क्या ही नशे निकल रहे हैं भाई, अलग अलग प्रकार के भाग रहे हैं। पता नहीं इसके क्या लाइफ भी कम हो गई क्या? What? ये कब से भाई, ये तू एरो वाला बंदा भी फटने लग गया भाई। तुम्हारे अंधे का क्रिपल की शक्ति है क्या? पता नहीं ये उड़ीन ने क्या खिला के भेजा है यहाँ पे, पता नहीं। बॉम्ब लगाता है भाई लोगों के अंदर, बॉम्ब लगाता है ये साला उड़ीन। ओ मर गया, ओ एरो साला मर गया। अभी तेरा दोस्त मर गया, अभी मैं भी मर जाएगा। मैं दोस्त हूँ भाई तेरा, मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्त हूँ। अरे भाई मेरे नन्हे मुन्ने बालक है, मैं उनको जियोस बोलता हूँ यार, उनके लिए तो मेरे को भाई नाक कटा रहा है जियोस के सामने मेरी। गाइस गाइस, किसी ने कुछ नहीं देखा ना, किसी ने कुछ नहीं देखा, बिकॉज ये तो मरने वाला है साहब। अरे लगी नहीं रही, अरे मर जाके दिखाना भाई, मर जाके दिखाना, मर जाके दिखाना भाई। ये क्या, बाप रे ये चीज क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, ओ भाई, अरे यार ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया यार।
आराम से मेरे को सिर्फ एचपी बढ़ाना है साला, एक ब्लास्ट में मर जाऊंगा मैं अभी तो। अरे नहीं सारा मत छोड़ भाई, मेरे को मत मारो प्लीज, प्लीज गरीबों को मत मारो यार, मेरे को बचाओ, कोई मेरे को बचाओ। साला ये किंग ओडिन का चेला पूरा कुत्ता, साला ये ड्रीम ओडिन का, साला इसका नाम ड्रीम ओडिन किंग। ओ भाई साहब, साला क्रीपर था भाई ये पूरा। प्रोफेसर साला तू गया क्या? अच्छा नहीं गया, वहां पे मिल मेरे को। एक मिनट, मत मिल, रुक, दो मिनट रुकते हैं यहाँ पे, पता चले कि हम लोगों को ट्रैक वगैरह कर गया क्योंकि। ओ भाई ये क्या है अभी, माधुरी प्रोफेसर गेट लॉस्ट, सीरियसली मेरे ऊपर कुछ तो जादू करके गए ये लोग। मैं अगली रात आऊंगा भाई, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, मैं इन लोगों से बातें करता हूँ बिकॉज मेरे ऊपर कुछ तो लगा है इन्होंने, मेरे ऊपर वो स्पॉन हुए थे दोनों। तू भाग जा प्रोफेसर। हाँ ठीक है, हर बार गाली देना जरूरी है भाई भी? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके दिस इज वियर्ड गाइज। अबे नहीं ब्रो, मैंने बोला था ना प्रोफेसर भाई, ये लोग हरामी है और हरामी ही रहेंगे। तुमको क्या? ओ भाई ये है कमजोर, पर ये बार बार मेरे ऊपर आ सकते हैं, कुछ तो इन्होंने मेरे ऊपर लगा के रखा है, जादू टोना या फिर कुछ और। आई एम नॉट श्योर ये जादू टोना मेरे से। अबे साला किंग ओडिन पंपकिन मैन बन गया तू, मेरे ऊपर ये बार बार स्पॉन हो रहे हैं भाई, बहुत कृपी है ये, बहुत कृपी। मुझे इन लोगों को कुछ भी करके हटवाना पड़ेगा मेरे ऊपर से ये काला जादू। नहीं, मेरे को नहीं देखिया तूने, मुझे नहीं देखिया। आहा तूने मुझे नहीं देखिया, ओहो तूने मुझे। अबे उसको दो एरोस लगे नहीं यार भाई, नहीं एक का डबल, सारे दोनों आगे वापस। प्रोफेसर तुझे भागना ही पड़ेगा अकेले, ये बार बार आ रहे हैं किंग ओडिन के चोचली करने वाले नॉनसेंस लोग। भाई तुम दोनों को चाहिए क्या मुझे बताओगे तुम लोग? देखो एक टाइम पे किंग ओडिन के लिए हम भी काम करते थे, तो हमें तुम बता सकते हो कि चाहिए क्या तुमको। भाई इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ मेरी जान चाहिए, जान चाहिए तुमको बस ना, बस तुमको जान चाहिए। साला मेरा ले लो ना, पूरा ले लो तुम मेरा जान, मतलब जान बोल रहा हूँ मैं। तुम क्या सोच रहे हो यार, ये किसी ने सोच ही लिया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं भाई, मैं बहुत संस्कारी इंसान हूँ यार। ओके कहीं ना कहीं पे छुप के रहना पड़ेगा, आराम से आएंगे तो नहीं वो यहाँ पे, ढूंढते रहेंगे रात भर। है नहीं है, इसने पूरा सुपारी देखे रखा है ओडिन ने, इतना तो गारंटी है। ये कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ के निकाल रहे हैं, या फिर इन्होंने मेरे ऊपर कुछ ट्रैकर वीकर नॉनसेंसेस किया है, बिकॉज ये ट्रैकर वीकर मुझे एक्चुअली प्रोफेसर ही एक्चुअली हेल्प कर सकता है, उसको ही मैंने भगा दिया है। सो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर बन गया हूँ। ओके यार ये मिस्ट्री ना हम लोगों को सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ये किंग ओडिन क्यों हमारे पीछे लगा है। हमें मतलब इतना तो पता है कि इसको हम लोगों को भेजना था उस नरक के अंदर जहाँ पे हम लोगों को स्लेवरी करवाना था, और ये सारे वॉरियर्स को लेके जाता है ताकि ये एंटरटेन कर पाए वो सारे काउंसिल वाले बंदों को। पर अभी तो हम लोग वहाँ से निकल गए, वो भी जिंदा, तो अभी भी हमारे पीछे क्यों लगा पड़ा है यार। हमें कुछ भी करके किंग ओडिन को उड़ाना पड़ेगा, हम इतने भी वैल्यूएबल एसेट है नहीं जितना ये समझता है यार, मतलब है वैसे देखा जाए तो। हम लोग वहाँ से निकल के आए हैं, और बाय द वे अगर तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका मैंने क्या किया अपनी किमोची का, तो किमोची को मैंने ऑलरेडी वहाँ पे छुपा दिया था, किंगडम बताए वो किंगडम के यहाँ पे मैंने उसको छुपा के रखा है ताकि वो ड्रीम बॉय के नज़दीक भी रहे। वो प्यार अलग ही है भाई, उन लोगों का प्यार, वो भी वहाँ पे ही रहना चाहती है, तो वहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया है। अभी क्या करें, देवर के साथ कोई रहना नहीं चाहता क्या? मतलब मैं तो अच्छे नज़र से देखता हूँ यार, मैं क्या, मैं सज्जन हूँ तुम लोगों को ही पता है यार, मेरा सिर्फ आंखें घूम जाती है पाव को देखते हुए। सो ड्रीम किमोची के पास पाव है तो नहीं, तो मेरा वहाँ पे तो कुछ पिघलता नहीं है। पर ड्रीम बॉय को मुझे किमोची वापस देनी भी है, क्या लगता है दे देनी चाहिए या नहीं, उसको बहला पुसला के अपने पास ही रखूँ? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन मैन, ये कैसे बातें कर रहा हूँ मैं। पर अभी फिलहाल के लिए आई थिंक सो मैं डार्क एम्बुलेंस में जा सकता हूँ, लेट्स गो। अबे प्रोफेसर ओ भाई
या इतू कितना सैड रहेगा भाई, तेरा घर बनवा देंगे यहाँ पे, घर 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 खेल रहा है यार ये बंदा, आ जा इधर, तेरे को कंप्यूटर के पास रहने के लिए बोला जाता है और तू यहाँ पे घर देखने के लिए आता है अपना, सलाह दे देंगे भाई, दिलवा देंगे तेरे को, थोड़ा सा अमीर होते तो, वो अमीर लौंडे के पास जाना ही है वैसे भी, ड्रीम बॉय के पास, उससे ले लो भाई सोना चांदी चवनप्राश, उससे खरीद लेना नया घर। साला तुम इतना यहाँ पे डिप्रेशन में जाता है यार, तुम्हारा है ना अभी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है भाई, छीना तो हमारा गया था जिंदगी वहां पे दूसरे वर्ल्ड में फेंक के, ओडिन कुत्ता हमारे पीछे लगा पड़ा है यार, इन लोगों के पीछे नहीं लगता वो हरा। बात तो सही है। ये देखो यहाँ पे वो फलाना ने हम लोगों को फंसाने की कोशिश किया था, उसके बाद यहाँ पे तबाहिया सब कुछ, उसके बाद यहाँ पे हमारे ऊपर वो मेरे ऊपर और ड्रीम बॉय के ऊपर वो अटैक कर दिया था वो स्नो वाली। अबे स्नो वाली से याद आया, अबे साला प्रोफेसर रिमेंबर है ना, तुझे तो याद ही होगा, तू तो यहाँ पे छुई मुई कर रहा होगा इसके साथ। बॉय इसका तो साला भाई, तेरा पति, तेरा पति साला कितना कुत्ते का बच्चा है भाई। रुक 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 प्रोफेसर, हम मारे क्यों ना, क्यों ना मारे, क्यों ना मारे भाई, बहन बहन, अरे तू अरे बहन मत बोलो, क्या क्या भाई तेरी का अलग, ये भाई ये अलग नजरों से देख रही है यार मेरे को, मैं बता रहा हूँ मेरे से तू इशक बिशक मत जना भाई, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, दरवाजा बंद करके यहाँ पे ऐसे पेलूंगा, मतलब ऐसे मारूंगा ना, जान ले लूंगा, वो वाला बोल रहा हूँ मैं भाई तेरा। हाँ हाँ ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा मैं, भाई नहीं बोलूंगा, ओ गंदी क्वीन, ठीक है ये, अरे ये भी नहीं बोल सकते, ठीक है ठीक है, देख ठीक है, देख तेरा साला पति, तेरा वो कुत्ता कमीना पति हम लोगों को मारने के लिए सब कुछ कर रहा है यार, ये प्रोफेसर तुझे अगर पता नहीं होगा, ये प्रोफेसर की बीवी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किंग ओडिन की बीवी है। हाँ मतलब हमें पता है, हमें पता है वो अफेयर करता है बेसिकली, ये इसका किंग ओडिन का अफेयर वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से इनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो गए, इसको किंग ओडिन की माँ बना के वो भाग गया भाई, इसको इसको इस बेचारी नारी को ये माँ बना के भाग गया ओडिन, वेरी डेंजरस इंसान का है। हाँ खेतो ना भाई, मेरी मम्मी अफेयर देनी जा रही है एक एक नई चीजों की, ये अलग ही है भाई। तब मैं कहाँ पे था, ए तुम क्या कर रहे हो भाई, तो बहन नहीं, अरे ठीक है भाई बहन नहीं बोल रहा तुझे, पर यार यार बोल रहा हूँ मैं अभी तो, अच्छी चीजें बोल रहा हूँ, देख तेरा जो कुछ भी लोचा है किंग ओडिन के बारे में, तुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऊपर जा, एक पेपर निकाल, उसके ऊपर सारा चिट्ठा लिख के रख, सारा चिट्ठा, पूरी लाइब्रेरी है तेरी, जितना पढ़ाई लिखाई करना है सब पढ़ाई लिखाई कर लेना। ए प्रोफेसर क्या भाई जा रहा है उसके पीछे साला, यार मेरे को भाव दे रही है तो तुझको जाना है वहां पे, मेरा एक खाता खुद रहा है वो भी तेरे को बंद करना है, तो कितना दिन पाओ के बचिएगा, मैं चलना है चुपचाप, दुश्मन दुश्मन के तो भाई तू जा रहा है तब चलता है, मैं जाऊं को तो भाई नहीं चलेगा, साला दुश्मन के बोलता है पर यार उसका तो बच्चा भी है यार, तुम क्या बोल रहे हो यार, स्टेप डैडी बन जाऊंगा मैं। तू क्या टूल ले रहा है भाई, तू जाना पड़ा कंप्यूटर पे, देख रहा भाई हिमलैंड्स को कैसे रिपेयर करना है साला, वो तो तू कभी जिंदगी में देखता नहीं है, चल चल जल्दी चल जल्दी चल साला, आज बहुत ज्यादा हम लोगों को षड्यंत्र, पता नहीं आज का पिछले दो तीन हफ्तों से जो भी वीडियोस आ रहे हैं ना मेरे, मतलब हफ्ते में नहीं आ रहे, महीने में आ रहे दो तीन वीडियोस, तो उसमें एक्शन बिक्शन था, आज एक्शन नहीं होगा, पर आज बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले करने वाले हम लोग, अब एक किस नमूने के साथ घूम रहा हो भाई, जिसको अपना ही कंप्यूटर पता नहीं है, अब एक कंप्यूटर वहां पे है, तुझे ये क्या है फिर, तू कर भाई कंप्यूटर के पास जाना, क्या है ये, क्या हो भाई पता नहीं है लाइब्रेरियन को क्या हो गया भाई, खाना दे मेरे को, पाव नहीं है मेरे पास, यहाँ पे आजा चुपचाप भाई, ढूंढना भाई ढूंढना, यहाँ पे कॉमेडी चल रहा है, कपिल शर्मा चल रहा है, यहाँ पे हिमलैंड्स खेल रहे हैं ना, वो भी बर्निंग पूरा हिमलैंड्स चल रहा है वहां पे, लोगों को किसी को पढ़ी ही नहीं है, गाजर क्यों खिला रहा है साला, ज्यादा ही दिन इसके साथ बिता दिया शायद इसने, साला 8 पाव दिए इसने और 9 गाजर दिए, साला कौन से किस दल में है भाई तू, तूने कौन सा दल ज्वाइन कर लिया है, ड्रीम दल, ड्रीम छह नाना चीटा ड्रीम दल ज्वाइन करता है साला, मेरा इधर आ चुपचाप काम कर, तेरे को बचाया मैंने, कंप्यूटर बनवाया मैंने, सारा खर्चा मैंने किया, और जा रहा है वहां पे मुंह मारने के लिए, ये तो वही हो गया ना बीटियों की तरह, सारा पढ़ाया लिखाया मैंने और गई दूसरों के घर पे पैसे कर, क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, कितना गंदा आदमी हूं मैं यार।
ये जोक था भाई, जोक था भाई, नहीं तो आ जाओगे मारने के लिए मेरे को। क्या क्या ये जोक नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, प्रोफेसर डिसाइड करेगा। अच्छा रखना चाहिए सारा, प्रोफेसर का जोक है भाई ये, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, इसने बोला मेरे मुंह से। उठा ले रे बाबा, उठा ले। प्रोफेसर से सारी बातें हो चुकी है और प्रोफेसर के हिसाब से उसको नो आइडिया कि क्या करना है, पर हिमलैंड्स के मेन जो कोर है, जो कोऑर्डिनेट होता है 0-0, जहां पे एक्चुअली स्मार्टी ने हिमलैंड्स को बनाना शुरू किया था, मतलब हमारा जो ब्लैक कलर वाला हम लोगों ने वो घर बनाया था ना, वो हिमलैंड का कोर है, सबसे बेस पॉइंट। तो उससे रेडिएशन पॉइंट आ रहा है, वहां से कुछ तो है जो हम लोगों को पाना है, और उसके अंदर जाने के लिए हम लोगों को वो लावा क्रॉस करना पड़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू मी हम तो नहीं क्रॉस कर सकते, पर मेरे दिमाग में एक बंदा है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पे ही भेजा था छानबीन करने के लिए, मे बी उसको कुछ मिला होगा। हम लोग फलाना के वो भूतिया पक्ष शक्तियों का यूज कर सकते हैं ना, और क्या। अरे हाँ वो बताना भूल ही गया मैं, उल्टे घूम जाओ, इसको एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स और थोड़ा सा ऐसे अंदाजा है कि इसको पता चल गया है कि किंग ओडिन ने फलाना की बॉडी कहां पर रखी है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा फलाना की बॉडी उसके शरीर से अलग हो गई है और उसका जो बॉडी है वो किंग ओडिन ने कहीं पे छुपा के रखा है, तो वो बॉडी का पता प्रोफेसर को पता है। पर मैंने प्रोफेसर को अभी वही बोला था कुछ समय पहले कि हम लोग जानबूझ के फलाना को उसकी बॉडी का पता नहीं बताएंगे, मतलब अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि वहां पे बॉडी है या नहीं, पर मैं चाहता हूँ पहले हम लोग फलाना का यूज करें। देखो आई नो मैं थोड़ा सा गंदा साउंड कर रहा हूँ, चल मेरे साथ, हम लोग जाना है तो वैसे ही हम लोग मेन इवेंट नहीं है, तो चल अभी चलते हैं। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो आई नो मैं थोड़ा सा गंदा और इविल माइंडेड दिमाग के बंदा हूँ, पर फलाना भी हमारे साथ कभी अच्छा कुछ किया है ही नहीं, हमेशा वो विलन ही रहा है, तो पहले उसका भी पहले फायदा उठाते हैं, उससे जितनी भी चीजें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ले लेते हैं, क्योंकि इतना लावा के अंदर घुसना और उसके बाद उसमें से बाहर आना, हमसे बेटर वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, वो अंदर घुसेगा, सो दैट विल बी सुपर गुड, मे बी आई थिंक सो यूजफुल भी रहेगा। ओ एक मिनट, वो रानी साहिबा को थोड़ा सा टॉर्चर करके, मतलब उसको थोड़ा समझा के जाएंगे, समझा के जाएंगे। तुम क्या टॉर्चर बीचर में मुंह में ऐसे शब्द मत डालो यार, तुम लोग ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। छोकरी किधर साला, तुम्हारे तो इतने आदमी थे, कितने गिर गए आदमी, दो दो आदमी गिर गए, कितने आदमी बेड पे, दो दो आदमी है, दो दो आदमी, एक तू, कितना मजा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बस बस ए, 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 नहीं नहीं नहीं, आई नो भाई, हाँ नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति, देख नारी शक्ति जिंदाबाद है ना, तो तुझे किसी भी कीमत पे किंग ओडिन का तो खात्मा करना ही पड़ेगा, तेरा एक्स हस्बैंड है यार वो, कुछ है क्या तेरे को। अरे यार ठीक है, ये विधवा बनने के लिए तैयार है ब्रो, तो ठीक है तू पता लगा कैसे उसको फाइंड करना है, कैसे उसको मारना है, तेरी जिम्मेदारी है पूरी तरह से। यहाँ से तू भागी तो तेरे को हम लोग ढूंढ के मारी देंगे, बिकॉज प्रोफेसर ने तेरे अंदर चिप डाल दी है, तो तू अब ट्रैक करते हुए हम लोग तेरे पास पहुंच ही जाएंगे। ये धमकी समझ या फिर चेतावनी समझ, जो समझना है वो समझ, पर समझ वो पीछे क्या देख रहा है मुझे नो आइडिया, पर चल भाई ए लौंडे यार मार, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है भाई इसके ऊपर, चल चल चल। नहीं यार प्रोफेसर, नहीं 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 प्रोफेसर, नहीं नहीं, हम लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे भाई, वो कितना भी उठाए हमें नहीं उठाना भाई, वी आर सज्जन पीपल, लेट्स गो। ए भाई मेरे को मारने लगी यार ये, भाई लड़की सब ठीक है ना बाबा, ठीक है सॉरी बोल रहे यार, भाई लड़कियां बड़ी डेंजरस होती है यार, आजा भाई। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फनाना का यूज करने वाले हैं, आई नो दिस इज साउंड बैड, पर जैसी करनी वैसी भरनी, उसका कर्मा उसको ऐसा ही करवाएगा, लास्ट टाइम भी फलाना ही एक घर डिस्ट्रॉय किया था, तो मेरे और इवन इसको भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक पैरों पे तैयार हो गया कि फलाना को तंग करना है तो जरूर करेंगे ना भाई। तो अभी फिलहाल के लिए फलाना का ही हम लोग यूज करने वाले हैं, उसको पूरी तरह से मेन इंग्लैंड के अंदर घुसेट देंगे, अंदर ही अंदर, और देखते हैं क्या है वहां के राज और क्या हो रहा है, क्यों है सारा का सारा हिमलैंड्स आग के अंदर, और क्यों है वो तो पता है हम लोगों को, उसको कैसे निकालना है, दैट्स द मेन मिशन, लेट्स सी। फलाना हेलो, क्योंकि फलाना यहाँ पे मैंने छानबीन करने के लिए ऑलरेडी भेज ही दिया था उसको, और फॉर्चुनेटली वो कंप्यूटर ने भी हम लोगों को बताया कि यहाँ पे ही रेडिएशंस आ रहे हैं। आई नो कि आज के एपिसोड में अभी तक एक्शन बिक्शन नहीं हो रहा, पर आज है स्टोरी टाइम भाई, पूरी तरह से सारी स्टोरियाँ और सारे पजल सॉल्व करने हैं, और ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि इनको कैसे, ये देखो भूत, अरे फलानू साला तू कैसा काम चोर इंसान है, तू गया भी अंदर, बता तू भाई कहाँ पे गया,
ए भूतिया, ए भूतिया, ये भूतिया नहीं भाई, ये च से शुरू होता है भाई, ये भूतिया में च लगा लो भाई, ये है वो भाई। अंदर कहाँ कहाँ पे गया तू, क्या क्या मिला तुझे ऊपर? अरे ऊपर ऊपर से करने के लिए भाई, क्या नई नवेली गर्लफ्रेंड है क्या तेरी के पहले ऊपर ऊपर से कर रहा है भाई? अरे ऊपर ऊपर से नहीं, सब जगह पे देख यार, ब्रिज के अंडर देख, ब्रिज सेफ है नहीं, दूसरी चीज है यहाँ पे देख, वो इवन वो मशीन के अंडर देख भाई, तुझे आधा अधूरा काम। एक काम कर, एक काम कर, ए प्रोफेसर तुझे रेडिएशन कहाँ से आ रहे हैं? जीरो एंड जीरो वाला कोऑर्डिनेट होता है हिमलैंड्स का ओरिजिन कोऑर्डिनेट, तो वहां पे आ रहे हैं बराबर। फलाना एक काम कर, डिस्कॉर्ड पे आ, तेरी स्क्रीन लाइव कर, मैं तू अपने यहाँ से भी रिकॉर्ड कर, मुझे वो वाला फुटेज भेजना, मैं तुम लोगों को फलाना का प्रस्पेक्टिव भेजता हूँ, और अभी मैं देखता हूँ कि कैसे तू कर नहीं पा रहा, सारी चीज़ें हो भी भाई। ए यार सब देखा नहीं भाई, मेरे को पूरा भरोसा है तूने आलसियत किया होगा। पहले बात तो क्या इसको वो इजीओ को बराबर से रखा है ना, कि मुझे के साथ तो नहीं भेजा तूने? ठीक है ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। अरे नहीं यार, देखो सारे वर्ल्ड के एसजीओ अच्छे ही होते हैं, वो नहीं बनाएगा भाई बच्चा की मोची के साथ, क्या बोल रहे हो तुम साला दरिंदा, दरिंदा है फलाना तू साला, कभी तो अच्छे यार, मरा हुआ फलाना भी इतना ज्यादा हरामी हो सकता है यार, इसको जिंदा करना भी है भाई, टेडी बॉडी नहीं ढूंढने वाले हम लोग नहीं ढूंढेंगे भाई, ढूंढेंगे, पर अपनी शक्तियों का यूज करना, फिर मदद करना थोड़ा, फिर एक बार ये सॉल्व हो गया मेरे सारे वेपन्स मेरे पास आ जाएंगे यार, अच्छे अच्छे माल, तुझे पता है ना कितना माल है हमारे पास मेन इमलैंड्स के अंदर, सब कुछ आ जाए फिर हम लोग लेंगे ना भाई, सबको सबका बदला लेंगे, सबकी बॉडियां लेंगे भाई। अभी फिलहाल के लिए ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं, आजा चल तेरा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। अरे कितना उड़ते रहेगा, अभी जाना अपना काम करना सिंपल। इस ये साला इसको भूत, ओ इसका पर्सपेक्टिव कितना मस्त दिखता है, तू भी मेरे वाले शेड यूज कर रहा है क्या? ओ भाई नाइस, कर लेगा ना भाई, कर लेगा ना, हाँ चलो कर लेगा भाई ये, ओके एक काम कर, पहले तो तू भाई फर्स्ट पर्सन मोड में वगैरह जा सकता है, ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू कैसे दिख रहा है या फिर क्या है, ये कैसे जाएगा तू अंदर, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, इसके अंदर घुसेगा कैसे तू, क्या क्या कर, अरे क्या मेरे से पूछ रहा है या बता रहा है यार? अच्छा मैं घुसूंगा, ठीक है घुस जाना भाई, फर्स्ट पर्सन में घुस गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तो तेरे सामने वो चीजें आ रही है, मैं आज घुस जाए फर्स्ट पर्सन प्लीज, कर देना यार, अभी हुई ना बात साला, फर्स्ट पर्सन में तू डायरेक्टली घुस जाता है क्या? ओ भाई ये घुस गया यार, कैसे समझेगा कि यहाँ पे क्या ढूंढना है हम लोगों, क्या नहीं साला, अगर मैं यहाँ पे होता तो यहाँ पे पार्कोर करना पड़ता, देखा साला पूरा पार्कोर डिजाइन करके रखा है अंदर ही अंदर से, पूरा हिमलैंड पार्कोर वॉरियर बन गया भाई, जो मेरे को आता नहीं है कभी जीवन में वो। ओके अच्छा नहीं, मैं बहुत खुश हो गया था, आराम से जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, हम लोगों को कुछ ना कुछ क्लूज ढूंढने हैं जो ऑलरेडी हमें पता है लोकेशंस, क्योंकि भाई अंदर से इतना कॉबलस्टोन क्यों भरा पड़ा है यार, और इसका टनल टनल है ये हिमलैंड से, एक काम करना एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जा, जितना तू ऊपर जा सकता है जा 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 जा, जितना ऊपर जा सकता है जा, जितना ऊपर जा सकता है, और फिर उससे हम लोग मुआयना करेंगे कि सेंटर पॉइंट कौन सा है पूरे हिमलैंड्स का, और फिर जाएंगे, जाते रहे भाई, अरे जा चल भाई साहब, तेरे को डायलॉग बस ही कर दिया सिर्फ यहाँ पे, जाते रहे भाई कितना ऊंचाई है। ओके इससे पता नहीं कैसे मिलेगा हम लोगों को मेन लोकेशन, पर नीचे तो बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज है, आराम से लेकिन शेडर्स बहुत, मेरे शेडर्स है तो बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब तो ये है हमारा हिमलैंड्स, तो यहाँ से ब्रिज है बराबर, तो यहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से हमने स्कूल वगैरह लगाया था एक दूसरे क्लोन मैप के ऊपर, तो जाना तो यहाँ पे ही है। ओके जय माता दी, यहाँ पे ही सेंटर होना चाहिए, 1 2 3 लेट्स गो। ओ कूल है भाई, पूरा ठेला लावा से भरा पड़ा है यार, जाते रहे। तूने ऐसे किया था, अच्छा तूने ये वाला किया था, और कोई बात नहीं इस बार पूरा रुकना मत, अगर कुछ भी दिखे और भी नीचे जाना, पानी भी नहीं कुछ भी आ जाए घुसते जा भाई, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं रहा यार, एक ट्री नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओ वेट अ सेकंड, ये इतना बड़ा क्या है, आराम से जाते रहे। ओ ये क्या हो गया, ओ वेट अ सेकंड, ये दूसरी इलाका है, ओ यहाँ से बचा हुआ इलाका है, ओ भाई साहब चलो भाई, ये पिछला वाला इलाका मतलब का बाकी है, नीचे जा और नीचे जाना है क्या हमको,
जाते रहे। रुक। ये हमने बनाया हुआ सेंटर इलाका है, ये एग्जैक्ट सेंटर है भाई इमलैंड का। हमने पूरे के पूरे सारे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके ये सेंटर बनाया था, और मैंने और फरहान ने ये बेस बनाया था, याद है तुम लोगों? और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था, मतलब हिमलैंड्स अभी तक सेफ है अंदर ही अंदर। ये देखो सारी सीढ़ियाँ, सारे ब्लॉक्स है रेडी, सिर्फ यहाँ वहाँ सारे कॉबलस्टोन से भरे पड़ा है। मतलब पूरा का पूरा हिमलैंड जिंदा है अभी तक यार, होप है। पर सारा कॉबलस्टोन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोई ना यही सेंटर है ना, इसी के अंदर घुसा जा। एक मिनट, कुछ तो चमका ना। ओके, मैंने भी देखा। घुस जाते हैं आराम से। वो सामने कुछ तो चमका। ओ, ये वो तो नहीं है इलाका। ओ तेरी, ये क्या है? यहाँ पे होगा लाला एक बार आया था, ऐसे मुझे बताया गया था स्मार्टी ने। ओके, दिस इज वियर्ड। यहाँ पे वियर्ड चीजें हैं। ओ वेट अ सेकंड, यहाँ पे धक धक का आवाज आ रहा है। वेट, ये बढ़ते जा रहा है। ओ भाई साहब, दिस इज क्रेजी। ओके, आराम से, कुछ ना कुछ होगा। ओके, यहाँ पे बारिश का आवाज आ रहा है, और वहाँ यहाँ पे जाते ही धक धक का आवाज आ रहा है। ये देखो, धक 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 धक, और यहाँ पे आता हूँ तो कम हो जाता है। ओके, दिस इज लाइक, ये ही है क्या वो कोर? अ प्रोफेसर, एक फलाना हिलना मत, फलाना हिलना मत। तू रुक, मैं प्रोफेसर के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। रुक तो ऐसे ही। प्रोफेसर, तू देख पा रहा है? यही हो सकती है क्या कोर? बिकॉज है तो बहुत सस्ता माल। अरे मुंडी, तू जाना, मुंडी हिलाना है साला। प्रोफ, तेरे को एक जगह पे तो रुक नहीं सकता क्या जीवन में? साला इसको सिर्फ देखना होता है यहाँ वहां से। दिस इज क्रेजी मैन, ये सारी चीजें बहुत वियर्ड है। देख रहे प्रोफेसर, यही है वो शायद, क्योंकि यहाँ से धक 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 का आवाज आ रहा है। फलाना, सुन रहा है ना? थोड़ा सा ट्राई कर, आगे थोड़ा सा आगे बढ़, थोड़ा सा आगे बढ़। यस, देखा, इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है धक धक होने का। थोड़ा सा और आगे बढ़, थोड़ा सा, ओ फिर से इंटेंसिटी बढ़ गया। ये वियर्ड कुछ तो नॉनसेंस चीज है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यार सारी चीजें। मुझे लग रहा है कि यही है जो सोर्स है इसका। आगे जा थोड़ा सा फलाना, थोड़ा सा आगे जा फलाना। तू उस लाल वाला जो है, ये टेंटिकल जैसा जो नॉनसेंस चीज है ना, इसी में से इसी के मेन कोर में से ही आवाज आ रहा है ये धक 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 धक, क्योंकि जैसे ही तू नजदीक पहुंचा है वैसे वैसे इसका धक 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 बढ़ गया है। मे बी यही होगा जो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है इस लावा को, या फिर कुछ और। तो एक काम करे, तू आर पार जा ही सकता है। तो ये रेड वाला जो बीच में दिख रहा है ना, ये सेंटर पॉइंट होगा ऑब्वियसली। टेंटिकल तो इसके ऐसे ही होंगे टाइम पास के लिए। तू घुस जा, रनर अप रे, और घुस जा अंदर भाई, जो होगा देखा जाएगा। गड़बड़ी अप्पा बोरिया, घुस जा भाई। ओ भाई, फिर से ट्राई कर। लेट्स गो। नहीं भाई, तू नहीं जा पा रहा इसके अंदर। रुक। अरे पैनिक बतो। एक काम करते हैं, उसके ऊपर देख, एग्जैक्टली तुझे दिख रहा है वो पिगी करके कुछ तो है। साला ये सुरेश रमेश ही साले हराम खोर है भाई। पहले राबड़ी देवी के साथ गुलू गुलू करते थे, यहाँ पे सारा पूरा हिमलैंड जला के रख दिया इन लोगों ने। इनका ही कुछ षड्यंत्र होगा, बिकॉज यार ये होते हैं नेदर के अंदर, और नेदर में ही लावा का उपजात हुआ है देखा जाए तो सबसे ज्यादा, हिमलैंड के अंदर भी और इवन माइनक्राफ्ट के अंदर भी। फलाना, अभी बहुत मन लगा के, बिकॉज मैं भी एक बार ऐसे पोजीशन किया था मैंने उस वर्ल्ड के अंदर, तब मेरे को बहुत फोकस करना पड़ा था। फोकस कर, याद कर अच्छी अच्छी चीजें, और अभी वो पिगू के दादा के ऊपर पूरा का पूरा कर ले फोकस। कर लिया, रेडी है। मैं अभी 1 2 3 गिनूंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं बोलूंगा घुस जा, कर देना, घुस जाना, ठीक है? जोश, पूरा जोश में घुसना। थोड़ा सा ऊपर आ जा, मेरे सामने दिखना चाहिए। ओके, 1 2 3 घुस जा अंदर, घुस जा मेरे पुत्र, घुस जा। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? What? फिर से घुसेगा ट्रैकर। मे बी ये कुछ अलर्ट सिस्टम हो गया। ओ नहीं, ये हो नहीं पा रहा। घुस जा, ट्राई कर। ओ भाई साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? This is scary. घुसेगा। अरे नहीं, कैसे नहीं हो रहा? ट्राई तो करता है यार, तू शिद्दत से नहीं कर रहा क्या ट्राई? भाई ये हो क्या रहा है? आई एम नॉट श्योर, हम लोग कुछ और। घुसेगा। जाए फलाना, क्या तेल लेने? तू घुस जा, दीवारों में घुस जा, भाग जा यहाँ से। आई एम नॉट श्योर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगा। भाग जाते यहाँ से। अरे क्यों जा रहा है वापस?
अबे साला मंदे क्या तू, मत जा मत जा। अरे यार नहीं भाग, नहीं हो रहा ना, भाग जा, नहीं हो रहा, भाग जा, नहीं हो रहा, भाग जा, दीवारों के अंदर घुस पा रहा है तू। नहीं क्या, नहीं क्या, अबे घुसना। अरे क्या बोल रहा है तू, घुस, कोशिश कर, कोशिश कर। अरे घुसना क्या हो गया तेरे पास को। अरे भाई ये फंस गया, ये फंस गया भाई। प्रोफेसर भाग, प्रोफेसर भाग यहाँ से। अरे सॉरी, अरे नहीं 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 भाग रहे यार, नहीं भाग रहे यार। पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, तू फोकस करेगा तो घुस जाएगा। फोकस कर, फोकस कर, घुस जाएगा तू। नहीं घुस रहा क्या, मैं क्या करूँ इसके ऊपर। भाई तेरे में से काला धुआं आ रहा है अभी, तेरे में से काला धुआं आ रहा है। क्या हो रहा है तेरे साथ, काला भाई तू ग्लिच हो रहा है, तू पूरा ग्लिच हो रहा है भाई। भाई काला धुआं आ रहा है तेरे में से, पूरा काला धुआं आ रहा है। क्या घूम क्या गया तेरे को, ट्राई करना यार, घुस जाएगा तू, घुस जाए। ओ घुस गया, ओ भाई साहब, निकल 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 भाई, कोटे लग गए भाई हमारे। लाइक कहाँ पे जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, कहाँ पे जा। अरे फिर से लावा में जा रहे भाई, मुझे दिख गया तू भाई बिना कैमरे के। अरे दिशा पुत क्यों हो रहा है, जल्दी से आ जा। अरे पागल इंसान हमारी तरफ आना भाई, ये बंदा पागल है भाई, ये बंदा पूरा पागल है भाई, पूरा। क्या भाई तू लावा के बीच में से घुसता है साला, देखो शर्म आता है भाई, तू मर जाए, जल्दी आ जा। हाँ तू देख, हम देख सकते हैं भाई तुझे। भाई दैट वॉज क्रेजी मैन, दैट वॉज क्रेजी फलाना भाई, दैट वॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोगों को पता तो चल गया कि ये है। अरे सॉरी मैं इसका ही प्रस्पेक्टिव दिखा रहा हूँ, रुको मेरे में आया मैं अभी। फलाना साले, सॉरी मैन, मैंने तुझे एक्चुअली खतरे में डाल दिया था। फलाना एक काम कर, क्या हाँ प्रोफेसर, तुझे आइडिया आया है, मैं सुन सकता हूँ, मैं सुनूंगा तेरा आइडिया, रुक ना, मेरा पहले फलाना के साथ बात करने दे, बिछड़े ने यार जान पे खिल लिया हमने के लिए। फलाना तू एक काम कर, तू अंदर मत जाना बिल्कुल भी, प्लीज़ मत जाना, तू हमारा दोस्त है यार, तूने जान पे खिल लिया यार हमारे लिए, थैंक यू सो मच, सीरियसली। ये लाइक अ गदगद भाई, फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगा जीवन में # फलाना वॉरियर मैन, बंदे ने बहुत बहुत कांड किया भाई अंदर जाके, थैंक यू सो मच फलाना, ऐसे ही काम करते रहे हमारे लिए। एक काम कर, यहीं पे कहीं पे ना अंडरग्राउंड हो जा, कहीं पे यहीं पे रह जा, और यहाँ पे मुआयना करते रहे कि कोई अंदर जाए ना, या फिर ये देखते रहे कि कोई उस मशीन के आजू बाजू जा रहा है या नहीं। किंग ओडिन जा रहा है, फटाक से कॉल कर दे, पर्सनल कॉल कर दे, घर पे आ जा साले, चलेगा कुछ भी करना, पर मेरे को मैसेज पहुंच जाना चाहिए कोई भी बंदा उस मशीन के आगे जाता है। पर मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी आए, इवन स्माइटी क्यों ना आए या फिर मैं ही क्यों ना आऊँ, पहले तू मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद ही उनके साथ पंगा लेगा। इवन मैं भी रहूँगा, मेरा कोई क्लोन बिन कुछ भी हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले मेरे को कॉल कर मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है, उसके बाद ही तू एक्शन लेगा, उससे पहले नो एक्शन, जस्ट रिएक्शन वो भी होगा मेरे को कॉल करने का, ठीक है। यहाँ पे रहे ए भाऊ, तेरी तो भाई नहीं मतलब फटा ना, तेरी फटी ना, चलना जल्दी चलना, आ जा आ जा जल्दी आ जा ब्रो, हम दोनों ने वही देखा है अभी तेरा आइडिया, रुक रुक एक मिनट, यहाँ पे फलाना चल बाय बाय, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं तुझे, चल मैं डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ सुन, फलाना के सामने आइडिया नहीं बोलते यार, तू क्या उसके सामने भगने वाला था अभी, फलाना के सामने आइडियाज नहीं बोलते। आजा आजा, मेरे को भी लगा तेरी बातों से कि तेरे आइडिया वगैरह मिल गया है, आजा यहाँ पे आके बता। अभी उसके सामने मत बोला कर यार, वो पता है वो अपने आप को रिपेयर वीपेयर करवा देगा और हमारे खिलाफ हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, मतलब तुम लोग भी # कर देना, उसको अच्छा लगेगा, वो भी पढ़ता है भाई कमेंट्स वीमेंट्स, तो अच्छा लगेगा उसको, तुम लोग भी क्या तुम लोगों को बोल रहा हूँ जो चैट कमेंट्स वीमेंट्स करेंगे उनको, कि उसको ऐसा दिखाना है कि उसके हम लोग दोस्त है, पर तुम लोगों को पता है हम दोस्त किसी के नहीं है भाई, हम सिर्फ सेव करना चाहते हैं हिमलैंड्स को, मिशन इज़ लाइक अ # मिशन सेव हिमलैंड्स मैन, यही है हमारा मिशन, जलते हुए हिमलैंड्स को बचाना। अभी बता भाई क्या है तेरा प्लान। पाव पाव देखा मैंने तेरे हाथ में, पाव देखा हाँ पाव दिख रहा है। हाँ तो प्रोफेसर ने मुझे फाइनली बता दिया है हम लोगों को क्या करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, बिकॉज इसने बोला कि हम लोग एक आधे दो तीन लोग इसको तोड़ नहीं पा रहे होंगे, पर अगर हम लोग अंडरग्राउंड में जाके अपनी पिकैक्स और अपनी चीज़ों के साथ खोद देंगे या फिर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है, पर हम लोग को बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगी, मतलब हम लोग को पूरा का पूरा हिमलैंड्स अंडरग्राउंड मतलब नीचे जाके पूरा का पूरा एक ऑलमोस्ट चंक होता है ना 16x16 उतना हिस्सा हम लोगों को कट करना पड़ेगा, मतलब ये लावा
और उसका जो कोर है उसके बीच में अगर हम लोग कट लगा देते हैं पूरा का पूरा, तो वो डिस्क्रेट हो जाएगा ना, लावा और वो कोर, और फिर कोर को कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो बाद में देख लेंगे। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्लाइड करने की कोशिश करेंगे हिमलैंड्स को और हिमलैंड्स के वो कोर को। फिर हम लोग जैसे ही उसको कट करेंगे सारा लावा नीचे आ जाएगा, फिर हम लोगों को सिर्फ काम होगा कोबल स्टोन को डिस्ट्रॉय करना। पर हम लोगों को लगेगी बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मैन पावर अपने भाई के पास है जो अभी दूसरे भाई के पास दे के रखी है, और ड्रीम बॉय तो ना बोलेगा नहीं। तो जंगली लोग, आई एम कमिंग फॉर यू माय ब्रदर, आ जा। प्रोफेसर तू जा, तू अपने इधर जा, डार्क हिमलैंड्स में जा, कंप्यूटर पे काम करना चालू कर, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन। अबे साला उल्टी खोपड़ी, वहां से नहीं यहां से रास्ता है भाई, मेरी तरफ से मैं पहुंचाता हूं तेरे को, जाते जाते ही मिलेगा भाई वहां पे, चल ना मैं पहुंचा रहा हूं ना, साला उल्टा जा रहा है ये, आ जा। वहां पे बेहतरीन से बेहतरीन वेपन्स बना, बहुत तगड़े वेपन्स बनाने हैं तुझे, बहुत ढांसू वाली चीजें। और एक काम करते हैं, मैं भी डार्क हिमलैंड्स आता ही हूँ ना, मैं भी थोड़ा सा वेपन वीपन लेके जाता हूँ, ऐसे ड्रीम बॉय के सामने थोड़ा सा शक्तिशाली बन के जाएंगे, थोड़ा उसको दबदबा बनाएंगे। वैसे किमोची भी डार्क हिमलैंड मैंने पहले ही लेके आना चाहिए था, बिकॉज किमोची को भी मैंने वहाँ पे ही रखा है अपने किंगडम के पास, तो किंगडम के पास से पहले किमोची को मिल लूंगा, बिकॉज लड़की फॉर एवर, और उसके बाद फिर ड्रीम बॉय को मिल लूंगा, और अपनी जंगली लोग तो आ ही जाएंगे, तो भाई वो ऐसे एक कदम पे आ जाएंगे भाई। प्रोफेसर मेरे को खाना दे, मेरा सारा सामग्री दे जो मेरे को अभी इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, पर फिर भी यार मैं को बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को सारा मेरा सामान दे, सारा बना रहा है तू काम धंधा, ठीक है दे 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 जल्दी दे 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 दो सर, नाइस थैंक यू सो मच, ये ले प्यार की झप्पी थी ये, ओके एक मिनट ये वर्क तो कर रहा है ना साला, ओ यस देयर वी गो, एक मिनट ये वर्क कर रहा है, यस पावर मैन फाइनली पावर्स मेरे पास आ चुकी है। ओ नहीं, ओ किसी ने कुछ नहीं देखा, ओके ओके ओके, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, ओके गलती से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, भागो यहाँ से चुपचाप, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ सर, ओके शिट मैंने पूरा वाट लगा दिया भाई, मैं हमेशा ओ यहाँ पे ही हो, नहीं अभी इसको तंग नहीं करते, इसको पिछली बार तंग किया था सारा, मेरा माइक खराब हो गया था उसी टाइम पे, मतलब माइक खराब नहीं हुआ था, ये एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, अभी तो कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, ओके अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रीम बॉय के पास, फिर हो गए वहाँ पे तांडव। आर्मर है पहनेगा कौन, ओ आर्मर भी देने पड़ेंगे, ओ गरीब को आर्मर दे दो सर, गरीब को आर्मर दे दो। देखो अभी तो फिलहाल के लिए मैं ये रहा किंगडम के आभा, ओ ये रहा किंगडम, तो अभी देखो अभी हम लोग किंगडम में जाके ड्रीम बॉय को मदद लेंगे, वो कर ही लेगा, पर मैं उसको और भी ज़्यादा खुश करने वाला हूँ ताकि वो हमारी मदद और भी ज़्यादा अच्छे करें। किमोची को हम उसको स्वाधीन करने वाले हैं, जी बहाज हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए मदद, तो इसलिए हम देंगे हमारे दोस्त को अपनी बीवी की कसम। सो सिंपल लॉजिक इज दैट, सो कहाँ पर है ये, यहाँ पे किसी इसी घर में रखा था शायद मैंने इसको, हेलो किमोची ऐसे छोकरी तू मिलने तो नहीं गई ना ड्रीम बॉय से, साला तू ही है एक उम्मीद, वैसे वो मदद कर ही देगा, पर रुक रुक एक काम करते हैं, मैं उसको ना सरप्राइज दूंगा, मैं उसको बताऊंगा नहीं, तू यहाँ पे रुकना, बीच में मत आना बिल्कुल भी, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे मर्दों की तरह, साला हराम खोर, जैसा पति वैसी ही चुड़ैल हो गई है तू, साला गाजर देती है मेरे को, गाजर देती है साला, ईयू डोंट टच मी, ऐसे गंदी गंदी गाजर बीजर मेरे ऊपर फेंका मत कर साला, इससे अच्छा पैसे फेंक मेरे ऊपर, वो चलेगा मेरे को, मैं नाच के दिखाऊंगा भाई, मुजरा करूंगा तेरे लिए, पर कभी गाजर मत फेंकना, एजियो 18 रिप के ऊपर गाजर नहीं फेंकते कभी, पाव फेंकते हैं पाव, समझे, ठीक है मैं उसको सरप्राइज दूंगा, फिर तो आ जाना, फिर हम लोग वहां से सारे जंगली लोगों को लेके जाएंगे, और उसके बाद होगा हमारा हिमलैंड्स फाइनली आजाद, सो लेट्स डू दिस। ड्रीम बॉय ए तू अंदर ही रहना यहाँ पे, अब ये ज्वाइन भी हो गया, अरे ये डिस्क्रिप्टेड लगा, ये अभी पता चला मुझे, ओके नाइस, चलो एटलीस्ट यहाँ पे ही तो है। अरे मजे ड्रीमू, अरे मजे ड्रीमू, यार फाइनली ये जंगली लोगों का पूरा मदद फाइनली कुछ तो यूज होने वाला है मेन हिमलैंड्स के लिए जंगली लोगों का, क्योंकि यहाँ पे तो सजा धजा के पूरा दुल्हन बना दिया इन्होंने इस किंगडम को, पर अभी इनका टाइम है कि हमारे हिमलैंड्स को भी सजा धजा के दुल्हन बना दे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो मेरे ऊपर सौंपा गया है स्मार्टी के द्वारा, और इवन लाइक मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं हिमलैंड्स को बचाऊँ, तो मैंने बचाने की कोशिश किया और मैं बचा रहा हूँ, देखो लुक एट दिस, अच्छा इंसान हूं मैं। ए ड्रीम बॉय किधर है छोकरा, ड्रीमी बॉय, ए ड्रीमी बॉय,
साला भूल भी नहीं रहा, क्या करूं मैं इसका। इसके पापा आ गए शायद, ये भरोसा नहीं इस बंदे का, इसके पापा ही आते रहते हैं भाई आधी जिंदगी। हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है, जंगली लोग है कहाँ पे? साला मेरे को ही नहीं पता ये क्या हो रहा है भाई। हेलो, अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ पे भाई, दो चार पाव खत्म हो गए मेरे ड्रीम बॉय। हेलो, यो अरे कैसा है छोकरा, आ गया हूँ मैं जी। मेरे को पता था अब भी आ गए हो भाई। स्मार्टी भाई क्या पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो मेरे दोस्त लोग। अरे भाई लग गए थे भाई, हम लोग एक दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे, गोटे गले में आ गए थे भाई साहब वहाँ पे गोटे बुरी तरह से। पर कोई बात नहीं, नए ले आएंगे, 8 करोड़ गई तो आते हैं। अरे तू कपड़ा भी बड़ा पहनने लगा साला नंगू पंगू। ए जंगू, अरे जंगू का बहुत ज्यादा काम आने वाला है भाई साहब। मैं तो आपको पूरा का पूरा कहानी बताता हूँ। यहाँ पे वो हराम खोर कुत्ते का बच्चा, वो हराम खोर भाई मेरे दिमाग का नष्ट, वो यार मेरे खुंदक देता है यार मेरे जीवन का। अरे मर तो गया किल्विश, इतना क्या सोच। किल्विश नहीं, किल्विश से तो ऑलरेडी लगा के रखी है भाई। पूरा का पूरा हिमलैंड है ना, वो लावा के अंदर डुबा दिया है। नहीं वो तो मेरे को पता है यार, स्मार्टी भाई के साथ हाँ, मैंने पहले देख लिया तो था। वो लावा से मुझे निकालना है, पर उसके अंदर हमारा प्लान तो वही था कि उस वहां से रिपेयर करना है, पर हमारा हराम खोर लौंडा है ना जीवन में हमारे पड़ा हुआ वो साला। नहीं यार आपको यार सबसे हरामी इंसान आपको पता ही नहीं है ना, जिस इंसान ने दलाली की है, जिस इंसान ने दलाली की और मुझे स्मार्टी को उस वियर्ड से वर्ल्ड में ला दिया काउंसिल के, वो काउंसिल का दलाल साला हराम खोर किंग ओडिन। इतना बड़ा हरामी दलाल मैंने कभी नहीं देखा भाई, उसने जो हम लोगों की वाट लगाई है। और आज मैं आपको सरप्राइजेस भी देने वाला हूँ, मजे ही मजे। मैं देता हूँ एक बहुत कमाल की चीज है, इधर आओ मेरे पीछे। ए जंगलू, अरे यार आप मेरा तो सुन लो भाई, मेरा सरप्राइज बहुत मस्त है। लाला जी आपके सरप्राइज फीका पड़ जाएगा मेरे सरप्राइज का, ना यार आप। मेरा सरप्राइज पिंक है यार। अरे तो मैं भी पिंक करूंगा उस सरप्राइज को, आओ ना यार। अरे यार वो सॉफ्ट सॉफ्ट है, तुम्हारी कुछ है वो भाई। अरे मेरे पास सरप्राइज है, वो हार्ड है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है तो सही मेरे भाई जी। अरे मेरा सरप्राइज तुम लोग इतना सॉफ्ट लगेगा ना भाई साहब, तुम्हारा प्यार है वो। जल्दी आओ फास्ट ऐसे भाई, अरे आपको मजा आने वाला है। अरे बहुत मजा आएगा भाई। सामने क्या है, क्या है देख रहे हो, क्या है कुछ यार, मस्ती में मर जाऊंगा यार साला। अबे नकली एजो, क्या कर रहा है, अबे इसकी टेंट रुक। अरे मैं नकली क्या बोल रहा हूं, तू पागल है क्या? अरे मैं ओए सुन, जो भी है ना तू बंदा, कभी तू नकली स्मार्टी भाई बन के आता है, कभी तू नकली एजो भाई बन के आता है। अबे किंग, अरे भाई ड्रीम बॉय मजाक नहीं, ड्रीम बॉय दलाल तू है। किसकी दलाल तू है, दलाल तू है, किंग ओडिन की बुराई कैसे कर सकते हो भाई? सुन रुक जंगलू भाई, किंग ओडिन एक नंबर का हरामी लौंडा था और हरामी लौंडा है, मरना है। ये क्या नया माल है तेरे, जंगलू पीछे यार, जंगलू पीछे साला, जंगलू मेरी बात नहीं सुनता। जंगली अभी देख क्या करता हूँ मैं फिर। ड्रीम बॉय सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, जंगलू हट जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, पहले ही जा। हुशु ड्रीम बॉय, ऑलरेडी यहाँ पे पंगे करके रखे है यार, आपको समझ भी नहीं आता। अबे किंग, अबे किंग भाई तेरे को पता भी है क्या किंग ओडिन है कौन है? आपको मारना नहीं चाहता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप मजाक जान से मारना चाहता हूँ ना। अबे पर ये तेरे पास टेक्नोलॉजी कैसे है एसजीओ भाई और स्मार्टी भाई का वॉइस ओवर करने की? क्या बोल रहे हो तुम भाई, वॉइस चेंज कैसे कर रहा है, वॉइस चेंजर कौन सा है ये? अरे ड्रीम बॉय मेरी बात सुनोगे, ड्रीम बॉय ये किंग ओडिन हरामी है, उसने मुझे और स्माइटी को एक वर्ल्ड में जान दिया डाल दिया था, और वो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं ना उनको वहां पे वर्ल्ड में डालता है। अच्छा मतलब किंग, तेरे हिसाब से किंग ओडिन हमारा विलन है? हाँ, और क्या बोल, सलमान खान हूं भाई फिर। हे भगवान, अरे यार किंग ओडिन, यार हमें लगा था कि, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तू किंग ओडिन के साथ मारामारी कर रहा था। अरे वेड़िया
बैट का ग्रिप निकाल के ना इसे निकल जा बग जाए। अरे मैंने अपने तू नकली है साले, तू नकली है। असली ड्रीम बॉय वहां पे लड़ाइयां कर रहा था, अपने जान पे खेल रहा था किंग ओडिन को मारने के लिए। भाई ये बंदा नहीं मानेगा यार। अरे हमने किंग ओडिन के डेड बॉडी के अंदर, किंग ओडिन के चमचे के डेड बॉडी के अंदर देखा कि किंग ओडिन के साथ लड़ रहे थे आप। आप मतलब क्या आर्मी में आपको रहा, आप ही तो नकली हो, मुझे समझ में आ गया। ये तुम नकली हो, मैं बता रहा हूँ जंगलू को लेके जा रहा हूँ भाई, मैं जंगलू को लेके जा रहा हूँ। अबे सर मेरा टाइटन यूज करता है मेरे ऊपर साला, शर्म आता है देखो। ड्रीम बॉय मस्ती नहीं यार, ड्रीम बॉय मैं बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा। ड्रीम बॉय मस्ती बहुत महंगी पड़ जाएगी भाई, किसी को ज्यादा लग गया ना मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। चल यार क्या लिख क्या रहे हो आप साला, अभी तुम लिख के दिखाओगे मेरे को। मैं नहीं भागने वाला भाई, मुझे पहले जवाब चाहिए मेरे आंसर्स के। सॉरी मुझे मेरे क्वेश्चन के जवाब चाहिए अभी। भाग रहा नहीं भाग रहा, चल निकल मेरे मुंह मत लग फालतू का, जो भी तू है ना नकली बंदा। अबे असली तो आ बनके, अरे तू असली बन के, तू साला मेरी शक्तियां यूज करके मेरे खिलाफ कर रहा है साला, डिक्टो क्लोनर साला डुप्लीकेट चाइना मैन। हमने पार्टी नहीं थी, हम सब तीनों दोस्तों की शक्तियां है भाई ये। तो मेरे पास भी तो है ये शक्ति। अरे खड्डे से तो निकलना आता नहीं है तुमको, हां देख। ओ भाई ए ड्रीम बॉय सुनो ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप ये मजाक कर दूंगा। वन शॉट समझ रहा है, मैं भी वन शॉट कर दूंगा, वन शॉट पूरी तरह से। लास्ट चांस दे रहा हूं, भाग जा। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं ड्रीम बॉय, अभी ज्यादा मस्ती और ज्यादा बकबक करने का टाइम नहीं है, हम लोगों को किसी भी कीमत पे हिमलैंड्स को बचाना है, और उसके लिए मुझे जंगली लोगों की जरूरत है। हिमलैंड्स में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं, मैं तेरे से बात ही क्यों कर रहा हूं इतना जंगली आदमी। ओए अरे क्या जंगली आदमी, जंगली आदमी किए जा रहा है भाई। किधर है ये, कहां गया ये जंगली आदमी यार। साला जंगली आदमी भी सुनता नहीं है तेरी, मतलब तू ही नकली है साला। देख मेरे ही सुन गया वो, पर तेरी नहीं सुन रहा वो। जंगली आदमी हमला कर, जंगलू तू मेरे ऊपर हमला करेगा, तेरा भाई यू भाई तेरे पूरे खानदान को बचाया मैंने, भाग कहां पे रहा है जंगलू। अरे भाग मत ओए जंगली आदमी, हमला कर उसको। साले उसको, मैं उसको भी टॉर्चर कर रहा है, उसको भी टॉर्चर कर रहा है साला। तू ही किंग ओडिन है भाई तू साला। ये ले साला, अब हमसे पंगा लेगा ना तू बच्चे। और एक लेके घूम रहा है, दो तीन तीन और एक नहीं यार, वो बेटा मैंने हटाई था अभी। तू बेटा भी नहीं मार सकता था भाई, टूटा के भी नहीं मार सकता है। अच्छा मैं नहीं मार सकता साले। ओ भाई तेरी साला थोर। ओ भाई मम्मी बोल भैंस की साले, बोल भैंस की। ड्रीम बॉय सुनो, दूर दूर से इंसानों की तरह बातें करते हैं, इंसानों की तरह बातें करते हैं। अब क्या हो गया, कहां गई इंसानों की तरह बातें करते हैं चुपचाप। मेरी बात सुनो ड्रीम बॉय सुनो, मुझे नहीं पता उसने किस बातों से आपको बहला फुसला के ये सारी चीजें की है। पहले बात तो ये कचकच करना बंद करो, कितना हरामी बन गया है भाई ये लौंडा। ड्रीम बॉय सुनो, अभी अपोजिट मैं उसको हमेशा हरामी समझता था, पर तुम लोग हमेशा बोलते थे कि नहीं भाई वो बढ़िया बंदा है, बढ़िया बंदा है। लेकिन अब मुझे पता चला वो कितना अच्छा बंदा है भाई। एक महीने पहले जब हम लोग उस वर्ल्ड के अंदर थे अजीब से, उस टाइम पे आप किंग ओडिन के साथ लड़ नहीं रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं है तुम लोग कहाँ गए थे, तुम लोग अचानक से बस गायब हो गए थे। मैंने क्लियरली अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके साथ लड़ते हुए, और वो ओरिजिनल ड्रीम बॉय था क्योंकि वो अपनी जान की बाजियां लगा के लड़ रहा था, और तुम साला डुप्लीकेट माल है भाई, तुम डुप्लीकेट माल है। वो कौन था साला डुप्लीकेट? देख तेरी वजह से ना मेरा हो रहा है यहाँ पे दिमाग गरम। ये ले फिर ठंडा कर, तो मैं मार मार के ठंडा कर बना दूंगा, मैं तेरा मोर बना दूंगा, मैं तेरा चिपकली बना दूंगा जो तू है भी चिपकली। तेरा सिस्टम मैं फाड़ता हूँ अब, मैं भी सिस्टम फाड़ सकता हूँ साले, सिस्टम के चमचे जा नाना चीता। तेरे पाव की ऐसी तैसी बजाऊंगा, रियल पावला, रियल तू रियल पावला साला। मेरे पास असली पाव है तेरी काजल के सामने। तेरे को तो मैं सरप्राइजेस देने वाला था, तेरा प्यार तेरे से मिलाने वाला था, अभी मैं देखता हूँ तेरा प्यार कभी जिंदगी में तेरे से मिल भी पाता है। रियल एसजीओ भाई से मिलवाना, मिलवा
मिलवाना, सिर्फ तेरा प्यार रियल एसडीओ है तो मिलवाना, मेरी दोस्ती है भाई उनके साथ, इसलिए तुझे समझ में, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि रियल कौन है और नकली कौन है। रियल एसडीओ तेरे सामने यहाँ पे कुत्तों की तरह भौंक रहा है और तुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरी लैंग्वेज। अबे बच्चे, अरे जा रे, देख लिया भाई, देख लिया भाई, देख लिया भाई, सब देख लिया भाई, सब देख लिया साला चूचला, तुझे यारा ना यार समझा था और अभी देखो ये होते हैं साले कंचे खोदने वाले। यार समझा था मैंने तुझे, गवार समझा। अरे देखा देखा आ गया, असली असलियत आ गई सामने, असलियत आ गई सामने। अबे तू असली है ही नहीं, मैं असली हूँ भाई। पाव इज अ शक्ति एंड पाव इज अ पावर भाई। होली नंबर क्या है? होली नंबर इज 69 ऑल। ये बंदा कितना कॉपी करता है, लगता है इसने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे हैं हम लोगों की। चल चल अभी भाग रहा है, देख भाग रहा है, डरपोक भाग रहा है। रुक जा भैंस की, मैं सोच रहा हूँ तेरे को ना मारूं, बट तू है कि भैंस की। रुक जा, अरे तुझे ऐसे ऐसे फोड़ूंगा ना, अभी तेरा एक आर्म ही तोड़ा है ना, दूसरे सारे आर्म में तोड़ूंगा साले। अबे ओ देर से ही रिपेयर करवाऊंगा यहाँ पे, स्लेव बना के यहाँ पे जाता भाई गरीब। तो देख लेंगे कौन किसको रिपेयर करता है साला। देख सुन, तेरा असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है H018 रेप AKA हितेश कोई। बेटे पापा को भेजो यहाँ पे, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। ए भाई बच्चों से नहीं लड़ता, अभी अभी यहाँ पे लेटा के ना तुमसे बच्चा निकाल दूंगा मैं, समझे क्या? यहाँ पे जोक चल रहा है, यहाँ पे तू जोक मार रहा है, ये फनी है, ये फनी है क्या? ये फनी है क्या? ये फनी है भाई, इतना इतनी सेंसलेस बात, इतनी सेंसलेस बात सेंस में बात कर रहे हो ना, पर तुम बड़ा भाई, तुम पोज भी पाओगे वहां पे, मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर हंस रहे हो यार, तुम मजाक में ये कर रहे हो ना तो ये बहुत गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ यार। भाई मेरे को नहीं लड़ना इस बंदे से, जंगली भाई तू ही से पहले यार, कोई से फाइट ही नहीं करनी इस पे, मैं टाइम वेस्ट करूं। जंगलू भी यहाँ पे नहीं आ रहा, वो ज्यादा समझदार है भाई, वो लकड़ी की खोपड़ी पे भी जादू कर दिया, वो बंदा भी यकीन कर रहा है कि तू है। मैं जंगलू, उसके पास 1% वो सोच रहा है कि ये रियल ड्रीम बॉय की कुछ पड़ी नहीं है। भाड़ में जाए ड्रीम बॉय, तू आ जा मेरे साथ, चल तेरे ही जरूरत है, नहीं क्या अबे चल ना मेरे साथ। वो बेटे 1% सोच भी रहा था कि तू असली एजुएटर में हो सकता है, लेकिन उसे भी पता है तू नकली है अंदर से बच्चे। ड्रीम बॉय चुपचाप हाथ हथियार नीचे रखो, मेरे को बात करनी है तुमसे। जंगलू तू आएगा? वो तेरे जैसे भिकमंगे पे 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा। ड्रीम बॉय आपने क्या काला जादू किया इन जंगली लोगों के ऊपर भी? अभी काला जादू ना बेटा, काला मुंह कर दूंगा तेरा और गधे पे पूरे किंगडम का चक्कर लगवाऊंगा। साला भाग रहे हैं, लास्ट वार्निंग कर रहा हूं मैं। काम कर रहे हो भाई, बहुत गलत काम। गलत भाई, काम तो मैं पैदा होते ही करने लग गया था, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अभी तो मैं बहुत कुछ उखाड़ूंगा भाई, तुम्हारी जो दुखती नस है ना वो मेरे पास है। ले बेटे, ये गंदगी मेरे को मत दे, हट बेटे। ये जो गोल्डन कैरेट है ना, पूरे के पूरे तेरे खानदान को तोहफे में भिजवाऊंगा तेरी मौत पे, समझ रहे? अरे यार मेरी मौत पे के जब सबको कैसे पाव बटेंगे वो मुझे पता है। और जंगलू तू साला इसके लिए इसके गाजरों का व्यापार बंद कर तू अभी। हाँ तेरे को क्या सिखाया था मैंने और तू गाजरों का सौदागर बन गया, यही सिखाया मैंने तुझे को। हरी हेडफोन पहन के आई मेरे सामने लड़ने के लिए मेरे से। नीले 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 लिजर्ड तुम साला, तुमको नीले पानी में डुबा डुबा के ना पूरा लाल कर दूंगा, समझा क्या? लाल करेगा तू मेरे ग्रीन ग्रीन देखो साले को, इसको ले लिया। अरे तेरे में और ये घास में फर्क क्या है जरा देख तो, अपने में और इस घास में आसमान में फर्क क्या है भाई? एटलीस्ट वो आसमान साफ तो है, पर तू तो धप्पों से भरा है भाई। एटलीस्ट मैं तेरे से ऊपर तो हूं, एटलीस्ट ऊपर तो हूं, उखाड़ना जो उखाड़ना है भाई। ऊपर होके क्या फायदा, नीचे से तो दिख रहा है सब कुछ तुम्हारा, सब झूल रहा है, सब पूरा देख सकता हूं मैं। तू कुछ देख सकता है क्या? मैं नीचे से देख सकता हूं भाई, ऊपर से जो हग रहे हो ना वो भी देख रहा हूं मैं पूरा का पूरा। तो तेरे ऊपर ही हग रहा हूं ना। अरे हमारे ऊपर वो दिख ही रहा है पूरा हिमलैंड वहां पे नष्ट हो रहा है और उधर भग रहे हो उसके ऊपर तुम। ये नहीं कि उसके आग बुझाओगे, उस आग के ऊपर अपना पछवाड़ा सेक रहे हो तुम भाई। ये है तुम्हारा, मराठी में गालियां दूंगा, मराठी में गालियां सुनिए तो बोल। अरे आईला साष्टांग नमस्कार देना ना तुम, गेट ओंड तुम्हारा पण घेतला नाही। अरे तुझा नानाची टांग बेटे, अरे तुझा नानाची टांग तुला खायला घालीन मी, तुला समजत नाहीये इकडे हिमलैंड ची हालत काय झाली आहे। तू जंगलू मेरे को मेरे मेरा माता फनका मता जंगलू। तू भी तू मला बिल्कुल फावड़ते नहीं, फावड़ते आता तो कुछ नहीं है भाई। आवड़ते निकल 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 भाई, तुम ये सबसे गंदा आसमान है भाई जो पूरा का पूरा धब्बों से भरा पड़ा है, मैं बता रहा हूँ। ये घटिया चीज भाई, पूरे हिमलैंड के ऊपर लावा फेंटा है और इसको घमंड,
तेरी जो शक्तियां है ना, तेरी जो शक्तियां वो इवेंचुअली कभी ना कभी जाएगी यार। ये तेरी तो एक्स है ना, ये ऐसे ऐसी जगह पे मारूंगा ना कि चीर जाओगे चिर्ब। समझने नहीं आएगा कि कहां से पादना है, कहां से हगना है भाई। समझ नहीं आएगा। किल्विश का ही है ना, किल्विश का बेटा बेटा तो नहीं है तू जो हम लोग से इतना चिढ़ता है? चल चल अवे, मैं और स्मार्टी जब अभी होंगे ना शक्तिशाली, तब हम देखेंगे भाई। बेटे कभी तूने देखा है रियल स्मार्टी भाई, रियल एजो भाई और रियल ड्रीम बॉय को एक साथ पैंट गीली कर देगा? अरे भाई जब तू भी तो रियल नहीं है, मतलब तू मानता है तुम रियल नहीं है? हाँ तो ठीक है, अगर मैं रियल नहीं हूँ ना तो ये देख नकली बंदे तेरे सामने काफी है। हाँ, कुछ काफी नहीं है, मैंने देख लिया, कुछ नहीं कर सकते तुम भाई, कुछ नहीं। तुम्हारा आर्मर जैसे खोड़ा ना, जैसे आर्मर वहां पे तुम्हें नंगा किया ना, वैसे पूरा नंगा करूंगा। इस बार सिर्फ टी शर्ट उतारा है, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना तब चड्डी उतारूंगा भाई तुम्हारी। तू चाहता है क्या कि तेरी गर्दन काटी है मैं उससे फुटबॉल खेलूं? अरे चल, मेरे को मुंह लगना ही नहीं है, ऐसे गंदे मुंह में लगना ही नहीं है मेरे को। ये गंदा घुस रहा है मेरे में, अरे घुस कौन रहा है, मेरे को घुसना भी नहीं है साला। यार देख, मैं तो तेरे पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, तू मेरे को मार भी नहीं सकता है। मैं तो हाथ उठा भी नहीं। और जंगलू तू भी साले, तू साले पूरा बदल, तू बदल गया साले। हाँ जंगलू, तेरे को जो ये गाजर है ना, छोटे छोटे गाजर पाल रहे हो, इनको ऐसे तबाह कर दूंगा ऐसे ही। बस समझे बोलना बचपन से भाई, तू चिढ़ता है मेरे गाजर से। अरे गाजर बड़े, हमारा भी पाव बहुत लॉन्ग है भाई, बहुत लॉन्ग है भाई। और ये मैं आज तेरे ना बहुत बहुत अच्छी चीजें लेके आया था, तुझे बहुत कुछ मिलने वाला था आज, तेरा वैलेंटाइन अच्छा होने वाला था, पर अभी तेरा वैलेंटाइन हमेशा सिंगल मरेगा तू, सिंगल ड्रीम बॉय। ठीक है कोई बात नहीं भाई, सिंगल लाइफ इज ऑलवेज गुड, मेरे को नहीं चाहिए कोई। देखते हैं भाई, कुछ तो प्यार तेरे पास लाके आने वाला था, पर नहीं, हमारे लौंडे को तो भाई अकेला रहना है। बच्चे तेरे से ही रिपेयर करवाऊंगा फिर बाद में मैं ये सब। अरे चल चल अवे भाई, मेरे को मुंह लगना ही नहीं है ऐसे फालतू चीजों से। हाँ तो मैं आया था ना तेरे पास, तो चल 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 के लगी ना, टन के लगी ना, अर्जुन का निशाना है भाई, अर्जुन का। अबे बच्चे भाग जा अभी, ठीक है मुड़के मत देखियो, मुड़के देखेगा ना तो देख तेरा क्या खात्मा करता हूं। मैं मुड़के देखना ही नहीं है भाई, मैंने मुड़के देखना ही नहीं है ऐसा गोबर सीधा। मैं मुड़ता हूं ना तो मेरे को गोबर की बदबू आती है भाई, मेरे को चाहिए नहीं है गोबर। वो जंगल के पत्ते इस्तेमाल करो पोंछने के लिए अभी। जंगल के पत्ते भी तेरे हरे ही तो है। हाँ तो हरे पत्ते के लेते हैं उस चीज के। क्यों, मैं तो पत्तों की तरह पतला नहीं हूँ ना, मैं तो नारियल जैसा हूँ गोल गोल। बेटा देखते रहा मोर ना, रियल वाले एजुएटन रे भाई से ही बनवाऊंगा, देख तू देख। अरे मेरे सामने मैं ही हूँ रियल वाला एजुएटन भाई। अरे जा रहा है नहीं जा रहा अभी भाई, का डिल्यूजनल बंदा है भाई, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। ड्रीम बॉय ये उम्मीद नहीं थी भाई तुमसे, मैं स्मार्टी को बताने वाला हूँ भाई तुमने क्या किया यहाँ पे, सब कुछ बताऊंगा भाई। तो उम्मीदें तो मैं पैदा होते बहुत सारे लोगों की तोड़ चुका था, तो इसलिए ना तू ज्यादा सोच मत। उम्मीदें पापा की तोड़ी थी भाई पैदा होती, ये क्या मनुष्यत पैदा हो गई? गया क्या ये? हाँ गया। साला कितना डिल्यूजनल बंदा है भाई, एक जगह पे इसकी रियलिटी हमने देखी, ये किंग ओडिन के साथ फाइटिंग कर रहा था, और उसके बाद अभी यहाँ पे ये किंग ओडिन के साथ काम कर रहा है। साला ये क्या है, मैं तो अभी मैं ऑलमोस्ट ससपांडी के साथ ही कांटेक्ट में जाने वाला हूँ, पर मैं उसको वही बताने वाला हूँ भाई ये बंदा क्या कर रहा है। और मुझे जंगली लोगों की सख्त जरूरत है भाई, उसके बिना मैं काम कैसे करूंगा, उसके बगैर हम लोग हिमलैंड्स को कैसे रिपेयर करेंगे यार। मेन चीज इसको परवाह ही नहीं पड़ी है, इसको जब से किंगडम मिला है ना, इसको ऐसे लगता है कि इसकी जिंदगी किंगडम पे ही गुजरने वाले है, हिमलैंड्स मेन तो है ही नहीं, है ही नहीं, हमको पता ही नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। किमोची क्या कर रही है, बाहर आ जा यार। किमोची यार, तुम्हारा ड्रीम बॉय बहुत बदल गया है, क्या दिख रही है? ड्रीम बॉय पूरा दरिंदा बन गया भाई, वो मैंने तू देखते। अरे यार तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ बोला उसको, मतलब नाम से नहीं बोला, पर वो सुनना ही नहीं चाहता, वो मदद ही नहीं करना चाहता, वो जंगली लोगों के साथ भी कुछ भी नहीं करना चाहता। वो क्या लिख रही है, तू लिख रही है कुछ? ओके मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ तू बिल्कुल भी ड्रीम बॉय के पास जाना मत, यहाँ पर चुपचाप रहना, चुपचाप यहाँ पर रहना। ये क्या है, ये ड्रीम बॉय के लिए है मैंने ढूंढा, क्या ढूंढा तूने, क्या ओ फूल ढूंढा यार। जब ड्रीम बॉय सुधरेगा ना तब अपने हाथों से देना, अभी फिलहाल के लिए उसकी औकात नहीं है। वो साला बहुत ज़्यादा इविल बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है उसको, किंग ओडिन ने उसके ऊपर कुछ तो काला जादू किया है या फिर कुछ और। मैं तुझे यहाँ पे मैं नुबड़ा जी से या फिर किसी और से खाना पीना सब कुछ पहुँचा दूंगा, तुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, पर तू यहाँ पे रहना इसी घर के अंदर या फिर इसी इलाके के अंदर। हम लोगों को दूसरा कुछ ना कुछ वे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ डार्क हिमलैंड्स के अंदर, या फिर तू डार्क हिमलैंड्स आ रही है?
वहां पे एक दूसरी लड़की भी है, उसके साथ तू रह सकती है। ठीक है यहाँ पे रहो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रहना, पर ड्रीम बॉय से बिल्कुल भी मिलने की कोशिश मत करना। वो जितना ज्यादा अच्छा था उतना ही ज्यादा बुरा हो गया है। सो प्लीज अपने आप को बचाओ। मेरा कुछ नहीं है ज्यादा, आपको मिलना है तो मिल लेना, अगर आपको इविल लोगों से मिलना है तो। पर देख लो भाई, मेरी तरफ से तो ना है भाई इस रिश्ते को अभी फिलहाल के लिए। बाद में मैं तो आई, मैं तो कन्यादान करने के लिए तैयार था यार। मेरी बेटी मेरी बेटी किस दिन के हाथों चली जाती भाई। नहीं मैं नौटंकी कर रहा हूँ ये सारी यार, पर ये मजाक को मतलब मैं कर रहा हूँ पर तुम लोगों को हंसाने के लिए यार। मेरे अंदर से फटी पड़ी है बिकॉज हिमलैंड से रिपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फिर है कौन जो लाइक बहुत सारा वर्कर्स वगैरह वो जो हमारे लिए काम करे और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे, नहीं है वो। मैं मुझे पता है एक काम कर सकता हूँ मैं, हमने एक्चुअली उस दूसरे वाले, आई नो बहुत सारे स्मार्ट लोगों का दिमाग चला होगा ना, क्योंकि मेरा भी दिमाग चला है। मैं सबसे पहले मतलब यहाँ पे आने से पहले वहाँ पे गया था, वो गंजे लोग पता है वो वहाँ पे मजदूर स्लेवरी कर रहे थे, वो सब लोगों के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया, पर वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि वो कर सकते हैं काम, पर उनको कम से कम दो तीन महीने लगेंगे ये रिपेयरिंग करने के लिए। तो हम लोग को दूसरा रास्ता कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा जिससे हम लोग ये हिमलैंड्स को पूरी तरह से नॉर्मल कर पाए, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट्स, इवन सारे एलाइट्रास भी मेरे, वो सारे वहां पे ही है, सारी चीजें वहां पे ही है, सब कुछ वहां पे है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वहां पे हम लोग को सेफ बेस बनाना है। ये मतलब मेरा और इस पार्टी का यही प्लान है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, देखेंगे। अभी पहले मैं डार्क हिमलैंड से जा रहा हूँ, इसके देखते हैं मशीन का क्या जुगाड़ किया इसने। ओ प्रोफेसर जी किधर है, ये सारा मेन कंप्यूटर के यहाँ पे भी नहीं है, मैं दूर से देख रहा था कहाँ पे है भाई तू। हेलो, ये देखो तो गेम बजाना साला। अरे अधेड़ उम्र की, नानी की उम्र की लड़की है वो, उसको तो छोड़, नीचे उतर भाई। क्या भाई उससे मुंह मार रहा है तू, नीचे तू भी इसको ना नहीं बोल सकती। ये रुको, ये कांच के ऊपर आ रही है ये नारी बहुत खतरनाक है यार। यहाँ पे आजा तू, क्या भाई नानी की उम्र की है भाई, वो एंशियंट टाइम से यहाँ पे किंग ओडिन के साथ रह रही है वो, माना कि उनका बच्चा नहीं हुआ पर फिर भी। यहाँ पे आजा चुपचाप साला, तुम यहाँ पे पता नहीं छोटे नुबड़े जी पैदा कर देगा यहाँ पे। अबे किधर रह गया ये बंद, तू बहुत ज्यादा लड़कीबाज हो गया है, वहाँ पे सीरियस काम करना है यार, जल्दी आ, तेरी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मदद चाहिए, बिकॉज जंग अभी तेरे कान ना खड़े होने वाले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जंगली लोग नहीं आना चाहते, बिकॉज ड्रीम बॉय ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। ड्रीम बॉय को लग रहा है कि किंग ओडिन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भाई, तू भी वहां पे जाएगा ना तेरे पिछवाड़ा खोल देगा वो पूरा का पूरा। सीरियसली पता नहीं क्यों भाई उसको लग रहा है कि मैं विलन हूं, मैं सज्जन, मेरा भोला वाला चेहरा देखो यार, मतलब अभी मैं पिघला दूं वो नानी को यार, शादी करने के लिए तैयार कर दूंगा मैं, इतना भोला शक्कर है मैं। अरे ठीक है भाई, तेरे को बड़ा पजेसी हो रहा है भाई, अगर किंग ओडिन का तू पत्ते भी जा दिया ना हम लोगों ने तो ये तेरी, ठीक है ठीक है। अरे भाई मान गया भाई साहब, नहीं अरे वाह वाह बेटा वाह, ये हुई ना बात, नहीं सुन पर अभी सुन अगर तुझे इसको निपटाना है, मतलब सॉरी इसको अगर तेरे को शादी करना है ना, तो मेरे पास बेस्ट आइडिया है उससे कर सकता है। तुझे विदाउट जंगली लोगों के कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग मेन हिमलैंड्स को रिपेयर कर ले। अगर मेन हिमलैंड्स को रिपेयर कर दिया ना, वहां पे मंडप बनाऊंगा भाई तेरा सेंटर में 0.0.0 पे, और उसके साथ शादी करवा दूंगा तेरी, बोल तू से बोल, पर तुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा ठीक है, दिमाग चला भाई, कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा तुझे अब भी। जीवन में एक समस्या जाती है तो चार समस्याएं आ जाती है हमारे पास, बिकॉज ऑप्शन इसने दिया है पर वो ऑप्शन में सर बहुत ज़्यादा फटने वाला है, बिकॉज ये बोल रहा है कि चलो ठीक है हमारे मजदूर भी हमारे साथ काम नहीं करेंगे, जंगली लोग भी हमारे साथ काम नहीं करेंगे, पर विलेजर्स तो हमारी कामगार बन सकते हैं ना, तो उनको ब्रेड खिला खिला के उनका परिवार नियोजन करवा करवा के हम लोग विलेजर्स को यूज़ कर सकते हैं मे बी काम करवाने के लिए और सारी के सारी चीजें करने के लिए। अभी विलेजर्स को कैसे कंट्रोल करना है ये कुछ तो करने वाला है, इसके पास कुछ तो है आइडिया। तो अभी हम लोग मेन हिमलैंड से आने वाले वापस, और वहां से एक विलेजर्स तो वहां पे आजू बाजू है आई थिंक, हमने जहाँ पे फर्स्ट टाइम स्मार्टी के घोड़े चुरा दिए थे हम लोगों ने, और हम लोगों ने अपना एक नया घर बनाया था हिमलैंड में, मैंने ड्रीम बॉय ने और फलाना ने, वहां पे एक विलेज है, तो वहां से मैं फटाफट गुल्लू बिल्लू को ले लेता हूँ। हम लोग यार हम लोग ना इतना कंफ्यूजन है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें लावा में भर दी है
जितनी भी चीजें मैनमेड थी हिमलैंड्स के अंदर, सुना मैं माइक के जरा ज्यादा ही नजदीक चला गया क्या, जितनी भी ज्यादा चीजें थी मैनमेड उन सारी चीजों के ऊपर हल्ला कर दिया है। ये देखो ये हम लोग को, ये है हमारा सारथी, यही सारे रास्ते बता रहा है कहाँ पे सीधे। चलो चलो चल रहो भाई। अब तू पीछे क्या देख रहा है भाई, हम क्या, ठीक है भाई हम हो भी गए, हम इसके आंखों पे चल रहे हैं, उल्टा घुमा घुमा के लेके जा रहा है। ये समझ में ही नहीं आ रहा ना कि कहाँ पे एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ से ब्रिज था उसके ऊपर से हम लोग घूमते हुए आ गए, और एलाइट्रास वगैरह तो है ही नहीं, बिकॉज एलाइट्रास वगैरह तो मेन हिमलैंड्स के चेस्ट के अंदर वगैरह है, जो होपफुली जली बिली ना हो, होपफुली मतलब भगवान से वही उम्मीद है। वैसे देखा जाए तो नीचे कॉबल स्टोन ही है। ओ दिख गया, यहाँ से तो विलेज है। ओके ये विलेज है हमसे, वेट अ सेकेंड, ये विलेज तो इन्होंने पूरा का पूरा जला दिया, और ये ड्रीम बॉय ने बनाया हुआ ट्रैक उसके वाले विलेज तक। ओ नो, मुझे जो लग रहा है वही सच हुआ है भाई, ये भी जला दिया इन्होंने। ऐसे तो इन्होंने आजू बाजू के सारे विलेज जला दिए भाई, फिर पॉसिबल ही नहीं है ब्रो, दिस इज इम्पॉसिबल। इतने दूर से विलेज जलाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग डार्क हिमलैंड से तो इम्पॉसिबल है किसी विलेज को लेकर आना। ये भी विलेज गायब हो गया, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। तुझे कोई आजू बाजू का विलेज पता है क्या जहाँ से हम लोग ला सकते हैं? एक विलेजर मिल गया ना, एक विलेजर, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं वैसे एक से तो हम लोग परिवार नियोजन नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट कुछ तो उम्मीद जो नष्ट हो चुकी है देखा जाए तो। और एक नया विलेज फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यार किसी भी कीमत पे, दिस इज इम्पॉसिबल। सारे विलेजेस सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने जहाँ पे भी जीवन था वो इन्होंने नष्ट करने की कोशिश किया, और ये तो गारंटी ड्रीम बॉय ने किया होगा, ये ड्रीम बॉय के नक्शे कदम है ब्रो। इन्होंने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, मुझे याद है ये लोकेशन, यहाँ पे स्पाइडी ने हम लोग को ट्रैप में फंसा दिया था। ओ भाई ये पूरा पहाड़ तोड़ दिया इन लोगों ने। एक पे वहाँ पे मे भी मुझे ना, मुझे वहाँ पे आग लगा यार, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा था भाई। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दूसरा विलेज जो होगा। 2 hours later. कब से हम लोग ढूंढे जा रहे हैं, हम लोग हिमलैंड्स के बहुत दूर भी नहीं आए हैं, क्योंकि डार्क हिमलैंड्स के यहाँ पे विलेजेस है पर वहां से हम लोग ला नहीं सकते यार, विलेजेस पागल हो जाएंगे हम लोग। तुमने भी कभी ना कभी विलेजेस लाए होंगे दूसरे विलेज से, इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट। और अब यहाँ पे ये भूत साला, देखना साला इतना बड़ा एंटीना बना के रखा है, पर इसको देखना नहीं है जीवन में। धीरे वेट वेट वेट, रुक 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 रुक, ये कौन है साला, ये कौन है? ओ भाई कौन है तू? हेलो, अबे अरे अरे उड़ गया वो साला, इसका साला कहाँ पे जा रहा है? ये क्या है भाई, ये क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है भाई अभी साला? ओ नहीं नहीं, अरे ये तो विलेजर है यार, बेचारा काम कर रहा है, इसको काम करने दो, होपफुली यही हमारा अन्नदाता बनेगा भाई, यही बचाएगा हिमलैंड्स को। हाँ अरे विलेजर दादा हमारा हेल्प करेगा, ये क्या? अरे नहीं नहीं, नशे नहीं करने का, नशे अफराना, घुस जा इसके अंदर, घुस जा इसके। हिमलैंड्स में सालों से विलेजेस रहते आए हैं, वो खेती करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं और खुशी से रहते हैं। पर जिस दिन स्मार्टी और मैं किंग ओडिन के चंगुल में आ गए, तब सारे विलेजेस के लिए वो रात बहुत ज्यादा डरावनी हुई। बहुत सारे विलेजेस ने तो अपनी जानें खो दी। अगली सुबह से हिमलैंड्स में कोई भी अनाज उगना बंद हो गया, उसके बदले उगने लगे विदर रोज। दिन बीतते गए और विलेजर्स का बचाया हुआ खाना खत्म होते गया, वो अपना गुजारा पानी पे करने लगे, पर भूख और पीड़ा के मारे बहुत सारे विलेजर्स अपनी जान खोते गए। उनके सरताज को ये देखा नहीं गया, पीड़ा से बचाने के लिए उसने बना लिया एक पोशन और पॉइजन कर दिया सारे के सारे पानी को। उसका मकसद था सबको देना बिना दर्द की मुक्ति, और वो इसमें कामयाब भी रहा, और इंतजार करते रहा एक उम्मीद के किरण की। यार अंकल आपके साथ तो बहुत ज़रा बुरा हुआ है, आई नो, मतलब हमें नहीं पता था कि हम लोग अगर हिमलैंड्स को छोड़ के चले जाते हैं तो इतनी सारी वियर्ड चीज़ें हो जाएगी और इतना ज़्यादा तबाही। मुझे नो आइडिया कि ऐसे क्यों हो रहा है और ये क्यों यहाँ पे पैदा हो रहा है। मुझे नो आइडिया यहाँ का पानी इतना ग्रीन बीन वगैरह कैसे हो गया या जहरीला कैसे हुआ है। पर देखो, अगर आपको हिमलैंड्स को अगर रिपेयर करना है और हमारी मदद करनी है, जो मदद आप कर सकते हो, पर हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और अभी मुझे प्रोफेसर की ज़रूरत है। मे बी वही आपके साथ बात करके वही कुछ ना कुछ कर सकता है,
तो मेरे पास एक प्रोफेसर नाम का बंदा है, वो आपकी मदद करेगा मे बी, या फिर पता नहीं कैसे वो देखेंगे बाद में। कहाँ पे गया तू? फलाना, मैं तो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तू फटैक से जा जितने तेजी में जा सकता है और प्रोफेसर को लेके आ, जल्दी जा निकल, जल्दी प्रोफेसर को लेकर आ जल्दी ब्रो। हाँ मतलब वो हमारी टेक्नोलॉजी है मतलब, पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग गारंटी इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें तुम्हारी ज़रूरत है सीरियसली। आई नो इस वियर वर्ल्ड के अंदर आपको किसी ने कदर नहीं की, किसी ने कुछ आपको भाव नहीं दिया, इतने सालों से हम लोग आपसे मजदूरी कर रहे हैं, पर इस बार अगर आप हमारी मजदूरी में काम करते हो ना यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस हिमलैंड्स में फिर से आपके साथ ऐसे इनजस्टिस और नॉनसेंस चीज़ें नहीं होगी, आपको आपके रिस्पेक्ट अधिकार सब कुछ मिलेगा पक्का, आई प्रॉमिस यू। Two hours later. कभी ना कभी तो होगा भाई, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, अब सैड मत हो यार, होगा भाई सब सॉल्व होगा। प्रोफेसर साले कूतरा, कितना टाइम लग गया भाई तेरे को? प्रोफेसर सुन, आपको पता ही दिया होगा ना मैं क्यों सुना रहा हूँ वापस, आपको बता दिया ना सब कुछ उसने, मुझे पता था। चलो आपको देखो, आपको ओ इसको भाई, वो नॉनवेज नहीं खाते यार, वो सिर्फ ब्रेड ही खाते हैं। तुझे दिमाग चलाना पड़ेगा, इनके साथ बातचीत कर, वो कैसे क्या, इसने क्या डाला था पॉइजन, क्या किया था कुछ तो पता लगाओ, बिकॉज इसने बहुत लोगों को पॉइजन करके यहाँ पे मार दिया है। प्रोफेसर के साथ बातें हो चुकी है और प्रोफेसर ने बोला कि ये कुछ तो मैजिकल चीज़ें हैं और साइंस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है आपने प्रोफेसर को, पर साइंस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे मैजिकल पावर्स शुरू होती है, तो ये हॉगवर्ड्स वाली जो नॉनसेंस चीज़ें हैं उनके बारे में इसको नो आइडिया कि कैसे होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को किसी ऐसी चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा जो इस मैजिकल चीज़ों को जानती है, और हमारे भाई को ऑलरेडी पता है कि किसके साथ हम लोगों को कनेक्ट करना है, बिकॉज वो है नन अदर देन हमारी चहीती, हमारी दुलारी द दाइमा। सो दाइमा को हम लोग बुलाने वाले हैं और फिर देखते हैं कि दाइमा कुछ कर पाती है नहीं कर पाती है, अभी पता चलेगा हम लोगों को, क्योंकि वो ये एक उम्मीद है, बिकॉज विजर्ड को कॉन्टैक्ट करने की उससे पहले देखा जाए तो विजर्ड मैजिकल है, मैंने उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, पर दाइमा तो पता है जैसे ही हम लोग बोलते हैं दाइमा की तो आ जाती है। सो वैसे ही मैं प्लान करने वाला हूँ। प्रोफेसर तेरा कुछ काम है भी नहीं तो यहाँ पे टाइम पास मत कर, क्योंकि स्मार्टी को भी तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो तू हमेशा डार्क हिमलैंड्स में ही रहा कर, और जल्दी से मैं दाइमा को बुला लेता हूँ, अभी रात भी है तो फटाक से आ भी जाएगी, उसका नेटवर्क बहुत हाई होता है रात को, सुबह बहुत ट्रैफिक होता है तो साला कम नेटवर्क में देती है, वो जियो नहीं यूज़ करती ना वो। होगा लाला की दाइमा, होगा लाला की दाइमा, होगा लाला की दाइमा। भाई कुछ नहीं हुआ, ओ नो, होगा लाला की दाइमा हमें तुम्हारी मदद चाहिए, होगा लाला की दाइमा। साला इसने धोखा दे दिया भाई हमें, होगा लाला की दाइमा, हेलो ए होगा लाला की दाइमा, ए होगा लाला की दाइमा, होगा लाला, ये क्या है भाई, ये क्यों नहीं आ रही, अरे इसको भी क्या ही पूछ रहा हूँ मैं, होगा लाला की दाइमा, होगा लाला की दाइमा किधर है भाई, एक तो आसमान भी ऐसे नीला नीला अजीब सा, यार गुस्सा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो यार, होगा लाला की दाइमा, ओ भाई होगा लाला की दाइमा, ओ थैंक यू सो मच, क्या ड्रिफ्ट मारा है भाई, क्या ड्रिफ्ट मारा है भाई, पूरा यहाँ पे लैंडिंग किया, मस्त सा लैंडिंग यार। ये देखो मैं आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे बहुत लोचे हुए हैं, आपके वो आपके नाती पोती की वजह से बहुत नुकसान हुआ है भाई हमारा, वो हमारा क्या इनका नुकसान हो गया, इनका पूरा वंश उड़ गया भाई। देखो ये पोशन है, इस पोशन को पिला पिला के और इस पोशन के साथ इसने इस पूरे पानी को ग्रीन कर दिया है, और यहाँ के पानी को पी के और यहाँ के पानी को पी के ना ये सारे के सारे विलेजेस मर गए, और बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, इन लोगों का टाइम पास नहीं करूंगा भाई, जियो तुम लोगों का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है ये वीडियो नहीं ये मूवी बन गया है भाई, देखा जाए तो आज ये क्या मैं फोर्थ वॉल तोड़ रहा हूँ क्या तुम लोगों के साथ, तो गाइज मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये मूवी में कन्वर्ट होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, इस जगह बहुत वियर्ड चीज़ें हो रही है, और मुझे समझ में आ रहा कि कब मैं इस वीडियो को एंड करूँ यार, सच्ची में समझ नहीं आ रहा, सारी चीज़ें होती ही जा रही है सालों से, मैं रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूँ इस वीडियो को। आप दाइमा आप करो कुछ भी करो, पर हम लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना है। तुम्हारी ये साला ये जो पहना है तुमने साला मैकडे की तरह लग रहा है यार, जो गले में बैठा है पहना है, शर्म है कुछ, सॉरी दाइमा क्या बोल,
जो विच हट होता है तुम लोगों को पता ही है, हर वो स्वॉम्प बायोम के अंदर, हिमलैंड्स के अंदर, माइनक्राफ्ट के अंदर, वो बेसिकली इसका ही होता है। सो इसको विचक्राफ्ट आता है और इसने विचक्राफ्ट से ये बहुत बार किया है कि इन्होंने अनडेड लोगों को, मतलब डेड लोगों को अनडेड लोगों में कन्वर्ट किया है और ज़ॉम्बीफाई किया है। तो यही करने के लिए ये तैयार है, पर इनका जो असर होगा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और वो उनकी इफिशेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर अभी कुछ नहीं होने से कुछ होना इज लाइक अ बेटर ऑप्शन। इवन ये बंदा भी देखो ना, ऐसे लग रहा है चलते हुए कि ग्लिच हो रहा है, इससे भी वो थोड़ा सा जहर पी लिया था जब मैंने इसको बचाने की कोशिश की थी। ये देखो ये चल रहा है पर ग्लिच होते होते, इससे का वियर्ड चीज़ें हो रही है। पर डाइमा, अब मैं आपके साथ हूँ, कर दो जादू। ये दाइमा, वो दाइमा के मतलब जादू ये करेगी, तो बेसिकली दाइमा के हिसाब से ये ग्रास के ऊपर और ग्रास के अंदर से उनको पुनर्जीवित करेगी, सारे के सारे विलेजेस को। जी हाँ, सही सुना तुम लोगों ने, ये मरे हुए विलेजेस को पुनर्जीवित करने वाली है और मे बी वो हमारी हेल्प करे, मे बी, बिकॉज वो हमारे ऊपर टॉक्सिक हो सकते हैं और वो हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं, पर हम लोगों को बचना पड़ेगा। अगर वो जिंदा होकर हमारे ऊपर हमला करे, पर अगर नहीं किया तो वो बनेगा हमारे सबसे बड़े एलाइज। सो दाइमा, आई एम रेडी। ये सामान लेने के लिए जा रही है यार, शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रही है। कितना ऊपर जाओगी ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए? ठीक है, मेरे को क्या है, अपना काम हो रहा है, बस है भाई, खुश है। उसे ऊपर जाने का तरीका वॉज वेरी कूल यार, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था इतने टाइम से, बिकॉज मेरी वीडियो में कभी आई नहीं थी वो ये पोले खोल रहा हूँ मैं, फोर्थ वॉल नहीं तोड़नी चाहिए, एक्सीटन रेप आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा डेड पुल मत देखा करो। 2 hours later ये ज़ॉम्बी बन गया। अबे यही मार रहा है भाई हमें, ये क्या कुछ, अरे इसको कैसे साल, अबे ये मेरे को भी मार रहा है ये बंदा साला, ये बनाया तुमने, ये बनाया जो हमें ही मारे जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करे अभी, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलरेडी। तूने बोला था कि बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब थोड़े ब्रेड से पक्का हो जाएगा। लो भाई, नहीं हुआ, अरे मार रहा है ये बंदा भाई, ये लो दूसरा भी और एक ब्रेड दे दिया। अबे रुक जा भाऊ, अरे भाई मेरे को मदद कर, गरीब को हो गया, ये मेरे लिए काम करेगा ना, ओ रानी जी पक्का भाई, ऐसी पूरी सेना चाहिए हमको, पूरी सेना ऐसे ही काम करे। मैं ब्रेड चाहिए तो लेके आता हूँ, मेरे यहाँ दूसरे गाँव से लेके आऊँ, मैं मेन इंग्लैंड से ब्रेड लेके आता हूँ, पर ऐसी बहुत बड़ी सेना चाहिए हम लोगों को अभी के अभी, सब लोगों को, सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर दू अभी, इसी रात को तुझे सारे जिंदा करने है, जा भाग भाग जल्दी से, हम लोग अभी आएगा ना मजा भाई, तुम इधर ही खड़े रहो सर, चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, ये घर तुम्हारा है भाई, यहाँ पे मरोगे नहीं, ये बहुत स्लो है पर एटलीस्ट काम तो करेगा ना ये। चलो कुछ ना होने से कुछ तो मिला है हम लोगों को जीवन में, मजदूर मिल गया है हमारा, क्योंकि यहाँ पे सुबह भी हो गया तो मर जाएगा ये कुत्ता। ओ तू कहाँ पे है ओ विलेजर साला, ये हरामी किधर गया, ये चुड़ैल वहाँ पे जा रही, ए तू डर, अरे डर मत यार, वो तेरे ही मरे हुए लोग है यार, तूने कुछ तो किया होगा, तुमने ही उसको जहर पिला के मरवाया ना, अभी वो तेरी जान खाने के लिए आ रहे हैं, पर ठीक है अभी मैंने उनको कंट्रोल कर लिया, पर तू भी हमारे साथ काम करेगा, चल जल्दी यहाँ पे आ, तू यहाँ पे नजर रख, ये सबको जिंदा करेगी, ये पूरा जादू टोना करने पूरे विलेज के ऊपर, तो पूरी की पूरी आर्मी लेके तुझे मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, 0.0 कोऑर्डिनेट, तुझे पता ही है दीने भी क्या है, 0.0.0 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सबको लेके आना है, ठीक है, मैं वहाँ पे तैयारी करके रख रहा हूँ, तू है यहाँ पे, सबको लेके आना वहाँ पे, ओ तुम भी आना जितनी आ सकती हो, ठीक है, ये सलाम मंडरा ही रही है। हाँ चलो, अब बच्चा बोलती है मेरे को, मैं बच्चा वैसे हूँ, मैं क्यूट सा, अब मैं आया फटैक से, मैं जा रहा हूँ मेन इमलैंड के यहाँ पे। 2 hours later तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं इस विलेज के ऊपर और इसको रिपेयर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो आओ गाओ वालो, घुस जाओ, ये सारे ज़ॉम्बीज अभी घुस घुस के नीचे से पूरी तरह से इसको रिपेयर करेंगे, ऐसे मतलब थियरी में है, जितने भी है सब लोग जाते रहो भाई, जाते रहो। ये देखो इनको अकल नहीं इतना ज़्यादा, थोड़ा ऊपर भी पर जा रहा है, पर ठीक है ज़ॉम्बीज है इनको हम समझ सकते हैं, इनको उतनी अकल नहीं होती जितने नॉर्मल प्लेयर्स को होती है, सो जान दो इनका, ये देखो हमारे लिए काम कर रहे, यही बड़ी बात है, हम लोगों ने कम से कम 15-16 लोगों को हायर कर लिया है, सो अभी होपफुली ये सब लोग अच्छे से काम करेंगे।
जय माता दी, होपफुली ये हो जाए, बिकॉज ये पूरा गधे पर हो गया ना तो मजा ही 200 हो जाएगा। ओ भाई साहब, ओके आई एम नॉट श्योर ये कैसे हो रहा है, पर इनके जाते ही हम लोग यहाँ पे प्लेस कर पाए, बिकॉज हम लोग ने ये ऑलरेडी ट्राई कर लिया था। फाइनली हम लोग ने इसको रिपेयर कर लिया, पर यही हिस्सा रिपेयर हुआ है हम लोग को। ओके, हम लोग को मे बी छोटे छोटे चंक्स में रिपेयर करना पड़ेगा पूरे हिमलैंड्स को, हम लोग एक साथ सारी चीजें रिपेयर नहीं कर सकते, पर चलो कुछ तो। ये लाइक अब शुभ आरंभ शुरू हो चुका है। तो ये जंगली लोग भी बोल रहा हूँ मैं इनको, ये सारे जॉम्बी विलेजेस ही अभी ये कॉबलस्टोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये रिपेयर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हिस्सा तो रिपेयर कर दिया हम लोग ने, यस दैट्स हाउ वी डू। चलो लेट्स गो, यहाँ से निकलो निकलो सब लोग निकलो, चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। अभी हम लोग मेन हिमलैंड से जाने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा भाई साहब, अभी होगा मजा, अभी होगी मस्ती, बिकॉज हम जा रहे हैं मेन हिमलैंड से रिपेयरिंग करने के लिए। क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक मिनट में फलाना को हम एक साइको प्रोफेसर, यू आर द स्मार्ट वन, मैं पहले वहाँ से इसको हटा देता हूँ अपने फलाना जी को, बिकॉज फलाना जी को ये टेक्निक्स और ये सीक्रेट्स बताने नहीं है, तो पहले मैं जाता हूँ और उसके बाद इनको बुलाते हैं। तुम बताओ, ए तुम बताओ, हाँ भी नहीं रहे साला, इनको कभी जीवन में मेरे से प्यार है ही नहीं भाई, ये जॉम्बी से प्यार नहीं होता भाई किसी को भी, ना इनको मेरे से होता है। ठीक है, मैं पहले देख लेता हूँ फलाना जी क्या कर रहा है वहाँ पे, उसको वहाँ से हटाता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ कि क्या बोलूँ उसको डार्क हिमलैंड से भेज देता हूँ, ताकि यहाँ पे वो ना रहे, उसको हम लोगों को दिखाना नहीं है भाई ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो साला विलन, वो हमारे जीवन का शकुनी है, वो अभी काम कर रहा है अच्छे से, बाद में पता चले कि वही हमारे पीछे षड्यंत्र करे, तो दैट्स व्हाई अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग उसको दिखा नहीं रहे कि क्या चीजें हो रही है, कैसी चीजें हो रही है, सो उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जिन माइनक्राफ्ट के स्मार्ट नर्ड्स को लग रहा होगा कि भाई इन्होंने तो भाई यहाँ पे डाल देना चाहिए था, यहाँ पे तो डाल देना चाहिए था पानी, तो यहाँ पे हम लोग पानी नहीं डाल सकते। लुक एट दिस, मैं यहीं पे कहीं पे भी पानी डाल सकता इस इलाकों में, और सिर्फ वो नीचे का जो कनेक्शन है वो टेंटिकल के साथ, वो जब टूटता है तभी जाके हम लोग यहाँ पे चीजें प्लेस कर सकते, पर वही अगर हम लोग इससे बाहर निकले तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देखा, सिंपल लॉजिक, इट्स लाइक अ नो रॉकेट साइंस। ये फलाना का बच्चा कहाँ पे? हेलो फलाना, ए कूतरिया, ये साला कमीना, इसको काम धंधा नहीं, यहाँ पे खड़े रहने के लिए बोला है इसको, कहाँ पे है ये? ऐसा मोयना करता है भाई, इसको बोला है ये ग्रास के पास खड़ा रहे, पर नहीं, हमको तो यहाँ वहां मटरगस्ती करना है। साला कुत्ते, ये काउंसिल वाला बंदा यहाँ पे क्यों है साला? और इसके साथ कौन है? स्मार्टी, साला स्मार्टी है, बड़े लोग यहाँ पे मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं, साला हम लोगों की तो कुछ कदर ही नहीं है बड़े भाई, ये बड़ा लोग नहीं, इसे साला हराम को होगा लाला, इसके साथ क्यों भाई बातें कर रहा है साला? अभी मुझे पता नहीं, मुझे सीरियस ले रहा है, ये स्मार्टी है। ए भाई, ए दाइमा, तेरा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है यार? ये साला दाइमा ने भेजा क्या इसको? पता नहीं है दाइमा उसके ऊपर नजर रखती है नहीं है, रुको दाइमा, साला ये इनको कहीं पे कहीं कभी आवाज जाएगा इनको जीवन में? कभी नहीं जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई। वो गायब भी हो गया, नहीं होगा लाला गायब हो गया, होगा लाला गायब हो गया भाई, मेरे को घुसबम्स आ गया अभी। शिट, ये बन पता नहीं ये बंदे लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, और वो काउंसिल वाला अभी तक वहां पे ही खड़ा है साला, क्या है वो इनके कुछ ना भाई, ये साला भाई इसको चढ़ा ना दे, मैं सिर्फ भाई ये कहना चाहता हूँ, होपफुली ये काउंसिल वाला बंदा साला हरामी, मेरे को भाई बहुत ज्यादा दादागिरी कर रहा था यार। जस्ट स्मार्टी, तुम लोगों को याद होगा स्मार्टी के वीडियो में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि ये बंदे को मेरे साथ अकेला रखा था, मतलब इसके साथ मेरे को अकेला रखा था, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा धमकियां दे रहा था यार कि मैं ये क्या है, मैंने वो किया है, बहुत फेकू लग रहा है मेरे को तो, बहुत ज्यादा फेकू लग रहा है, पर फिर भी स्मार्टी मुझे बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है वगैरह, तो मैंने भी ज्यादा कुछ पंगा लिया नहीं, पर मुझे तो बहुत फेकू लगा था, और अब ये फेकू ये दूसरे फेकू के साथ क्यूट मीटिंग कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं इनको रोक देता हूँ, पता चले कि इनका कुछ भसड़ बन जाए। डाइमा प्रोफेसर, जहां पे भी हो रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ, जहां कहीं पे भी हो, ये यहाँ पे कुछ तो लोचा हो गया भाई, बहुत गंदा वाला लोचा हो गया डाइमा, वो साला होगा लाला बहुत ज्यादा हरामी, वो काउंसिल कैलन के साथ क्यों बातें कर रहा है यार मेरे को? अरे यार तू नुबड़ा क्यों जा रहा है वहां पे? नुबड़ा नहीं यार, होगा लाला साई दादी माँ क्या कर रही है साला? ये बंदा यहाँ भाई, इसके पास ही शक्तियां कहाँ पे आएगी? ये सारी चीजें हो क्या रही है? नुबड़ा तू तेरी शक्तियां यूज कर सकता है, कर ले उसके ऊपर दाई माँ, ये क्या हो रहा है? नुबड़ा उसको मार देगा भाई, नुबड़ा बहुत शक्ति, अरे नुबड़ा सबको मार देगा भाई, ए, भाई तू नुबड़ा जी भाई उस होगा लाला भाई तो हमारे साथ था ना यार,
तू साला दल बदलू कहां से आ गया यार? अरे भाई ये क्या, कैसी लड़ाई हो गया भाई? मैं करूं क्या इस चीज के अंदर? दाई माँ आपको कुछ समझ में आ रहा है आपका पोता कितना हरामी हो गया यार? अरे होगा लाला तू क्यों भाई, ये बंदा पागल हो गया क्या? होगा लाला जो साला, मैंने मारा उसको भाई। इनका बहुत गंदा वाला घमासान चल रहा है भाई। ये अरे भाई साहब ये कर क्या रहे दोनों? दाई माँ तेरे सामने ये लोग क्या क्या कर रहे हैं यार? तेरे सामने तेरा बच्चा हम लोगों को मारे जा रहा है यार। तेरा पोती हम लोगों को मारे जा रहा है। दाई माँ ऐसे कैसे चलेगा यार, तुझे उसको समझाना पड़ेगा। तुम ही क्या डर रहे हो भाई, वो नुबड़ा जी को मार देगा यार। आप क्या बोल रहे हो? नुबड़ा जी मत मारा मारी कर यार, मर जाएगा तू। भाई साहब ये बंदा बहुत खतरनाक उठ गया यार। दाई माँ ये बंदा बहुत हरामी बन गया, आपको उसको रोकना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो ये हमको भी मार देगा यार। ये हमें मार देगा यार, पूरा मार दे। नहीं मैंने क्या बोला, इससे प्रोफेसर को भी ले लिया भाई कुप्चे में। जाओ आप इससे बात करो यार, आप इससे प्लीज बात करो इससे। नहीं डो नो 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 होगा लाला, नहीं होगा लाला। वो तेरी दाई माँ है यार, उसने पाल पोस के बड़ा किया तुझे और ये सिला देगा तू उसको। सुन ले मेरी बात यार, तेरे ऊपर वो किलविश का साया था, हम लोगों ने उसको साल कर लिया है, तू क्यों उनके काउंसिल की बातों में आ रहा है यार? सुन ले मेरी बात। उठ उठ, मेरी इन्वेंटरी गायब होगी। नो बाबी राबी रूबा रूबा बाबी बाबी बूबा बूबा बाबी गिजू का बाबी रम बम बम राबी राबी रूबा रूबा राबी री रूगा रूगा राबी जी रे गा रे गा रम बम बम रीगा रूबा रेगे रीगा से अपने नूजा सरी गन गनी गुना गानी बम 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 जीता गानी ऊजा गानी मन में जिसे रोज गानी की मूवी नारी गीत गानी गम 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 गीत गानी सूद गानी बीर बारी सूद बारी हरी बीरी बुरी बारी बम 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 बीजी बारी बुरी बारी बीजी बारी को रही अटकू बीजी गानी बम बम बम।